नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस वो बाकी तो वो उसी से ले लेगा। इन्होंने एक्चुअली कैमरा बड़ा गलत लगाया हुआ है, नहीं तो सारा आ जाता। नहीं तो चलो अच्छा, पहली बात तो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट द वाइस प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज हैज एग्रीड टू डिलीवर एन एक्सटेंशन लेक्चर एक्सक्लूसिवली ऑन दिस टॉपिक दैट इज नटेश शास्त्री एंड आई एम क्वाइट अनअवेयर ऑफ दिस टॉपिक एंड ही इज एन एक्सपर्ट सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट अ पर्सनैलिटी एन आइकॉन एंड अ लेजेंड हु इज रिनाउंड थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया फॉर हिज profound discourses and he is an expert on this topic natasha and sab sabse badi baat bachcho ke sirf ek bar inse zikr kar kiya tha wale aur vice principal hote hue itne busy schedule mein se itna time hamare liye nikala hai 9 baje gaye the mere khayal se sir 8:40 pe aate the idea ki cheez se laga sakte ho kitna serious hai aur kuch sikho sir se jo late aa rahe khas tarah se bachche कि सर जब तो कहाँ से आते हैं चंडीगढ़ से आते हैं तुम लोकल होते हो भी देर से आते हो थोड़ा सा डिसिप्लिन के मामले में सीरियस रहो और जहाँ तक इस टॉपिक की बात है बच्चों सर जब भी नाट्य शास्त्र इनफैक्ट ओरिएंटल फिलोसफी का जिक्र होता है खासतौर से क्रिटिसिज्म का सो ऑब्वियसली विली नीली इंटेंशनली और इनइंटेंशनली वी ट्राई टू कंपेयर with Western philosophy or Western criticism, especially the works like Aristotle, Plato, so on and so forth. So just I want to ask you, sir, is it relevant to compare our Oriental philosophy, especially the scholars of Sanskrit literature and language, to compare them with the works of Greek philosophers? We'll discuss it later on. हाँ, चलिए शुरू करते हैं और दिक्कत भी आती है हमारे साथ कोई भी चीज पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली कंपेयर करना शुरू कर देते हैं उनके साथ जिन्होंने इंग्लिश में लिखा ही नहीं और एरिस्टोटल और प्लेटो को तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश है ही नहीं है लोग बट फिर भी इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब कर ही रखा है सर ये एक नेसेसरी इविल ही समझ लो इसको इन लोगों को पढ़ना पड़ रहा है नहीं पढ़ना ही चाहिए और दो बराबर की धाराएं हैं दो ट्रेडिशंस हैं और दोनों को आपको पता होना चाहिए और कुछ नोटबुक वगैरह रख लेना फिर नोट्स वगैरह रख लियो स्क्रीनशॉट ले लो आजकल तो मॉडर्न जमाना है नहीं सब भाई से लो उसी पर बचना जाता है वैसे तो मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ काम दे ही दूंगा साथ में मैं खुद बच्चों को डिस्करेज करता हूं मोबाइल कम से कम यूज करो मोबाइल सबके पास है ओके तो जब आपने मोबाइल लिया होगा इधर आ जाओ सर के साथ आ जाओ जब आपने मोबाइल लिया था तो मोबाइल के साथ एक यूजर्स मैनुअल होता है yes, तो आप में से कितने लोग जो है उस यूजर मैनुअल को पढ़ के जो है मोबाइल को यूज कर रहे हो या तो कैसे कर रहे हो तब थोड़ा सा किया था लेकिन जब हाई फाई मोबाइल आ गए तो उसके बाद फिर क्या किया तो कैसे ही yes, ऐसा ही चल रहा है पता दो दो सौ पेज के टर्म्स एंड कंडीशन तो लास्ट में एग्री पे बटन तो एक्चुअली क्या हो क्या रहा है हमारा जो सारा सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा ही है कि हम तुक्के से और धक्के से चला रहे तो मनुष्य होने के नाते हम नहीं चाहते कि हम लोग कोई पढ़े लिखे लोग हैं और दावा भी करते हैं तो हम लोगों को जो भी हो वो सोच समझ के रैशनली हम लोग बात करें तो इसीलिए उसी का एक पार्ट हालांकि ये बहुत एक लार्जर एस्पेक्ट है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं तो ये एक तरह का यूजर मैनुअल है किस चीज का यूजर मैनुअल है ये जो कुछ आप मीडिया के ऊपर देखते हैं ये उसका यूजर मैनुअल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मीडिया पे देखते हैं मूवीज देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन उसमें अप्रिशिएट आप कैसे करते हैं चीजें अच्छी लगती हैं बुरी भी लगती हैं उसमें से कुछ लेकिन आपके पास क्या आधार है जिसके आधार पे आप कहते हो
कि आप ये कहते हैं कि भाई ये चीज अच्छी है और ये इसमें मजा आया है ना, ये शब्द आप प्रयोग करते हैं। कृतिका और इधर आगे आ जी, जाओ, चेयर क्लिक करके, तो आपके पास क्या आधार है? अब तो आप लोग एमए में आ गए हैं, घसीट के लिए बच्चे उठाने की जरूरत है, तो क्या आपके पास बेसिस है किसी भी चीज को, किसी भी क्रिएटिव जो भी मीडिया है उसको आप कैसे अप्रिशिएट करते? हालांकि हम क्रिटिसिज्म शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं अप्रिसिएशन शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि भाई हम कैसे अप्रिशिएट करें, क्या अच्छा लगा उसे, हीरो अच्छा लगा, उसका गाना अच्छा लगा, उसका स्टाइल अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो उसमें से उस अच्छाई का आधार क्या है? या हम लोग इतने ओवर कंडीशन हैं कि हम वस्तुतः हम सोच ही नहीं पाते, हम हमें वो अप्रिशिएट करवाया जा रहा है कि जो हमें बचपन से सिखा दिया गया, आपको मीडिया ने इतना कंडीशन कर दिया है, आप उसी को अप्रिशिएट करोगे जो मीडिया ने आपको ट्रेन कर दिया है। कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि आपके माइंड की ऐसी ट्रेनिंग कर दी गई है कि आप जो कुछ वहां दिखाया जाएगा मीडिया के थ्रू वही आप अप्रिशिएट करोगे। आप जो फोक है, जो लोक में है, जो आम आपके परिवारों में चल रहा है, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम टीचिंग में आ गए हैं, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता हो कि हम लोग इन चीजों को अप्रिशिएट करें। और उसमें भी आपके सामने दो ट्रेडिशंस हैं, एक तो ग्रीक और यूरोपियन ट्रेडिशन है जिसके आधार पे आप क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, पढ़ा भी होगा, और दूसरी आपकी इंडियन भारतीय ट्रेडिशन है। इंडियन शब्द भी मैं प्रयोग नहीं करता ज्यादा, लेकिन भारतीय शब्द आप प्रयोग करेंगे तो उसके पीछे अर्थ है, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत उसको भी रेफर करें कि हम कहाँ इन चीजों में कहाँ कहाँ अंतर है और हमें कैसे देखना और सोचना चाहिए। एक यूजर्स मैनुअल आपके साथ शेयर करूंगा, और ये दो हिस्सों में मैं आपके साथ सारी बातचीत करूंगा। पहला भाग तो इसी चीज के ऊपर रहेगा कि हम अपनी भाषा में इन चीजों को समझ लें, देख लें, इनसे परिचित हो लें, फिर उसी सारे को मैं आपके साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन के रूप में दूंगा कि इंग्लिश के फॉर्मेट में इसको आप कैसे देखें। वो क्या रहा है कि गड़बड़ कहाँ होती है कि जब आप इंग्लिश के माध्यम से आप हिंदी के या भारतीय टर्म्स को ट्रांसलेट कर देते हैं और उसमें आप सोचने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप रिलीजन शब्द है उसका अर्थ क्या करते हैं, धर्म है ना, अब वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इसी तरह सर एक चीज हो रहा है, ईश्वर ट्रांसलेट हाँ करता है, गॉड गॉड का तो गुड है, ईश्वर में मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इवन ईश्वर वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एट पार भी नहीं आप उसको कर सकते, मतलब ट्रांसलेट करना ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल है। इवन फ्रीडम को आप स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है ना, अब वो गलत है। स्वतंत्र शब्द का मतलब क्या है कि आपका अपना तंत्र, योर ओन सिस्टम, फ्रीडम का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ पहले हिंदी और संस्कृत का जो एक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, केवल उसको स्पष्ट करूंगा, फिर उसके बाद उसी को हम अंग्रेजी में लेंगे क्योंकि आपने पेपर अंग्रेजी में दिया। चलिए इसके ऊपर हम फोकस करें, आप स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। तो फॉर्म कंटेंट एंड एसेंस ऑफ नाट्य शास्त्र, ठीक है, ऑफ भरत मुनि। अब शब्द आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे शब्द क्या यूज किया है, नाट्य शास्त्र। नाट्य कहाँ से बन रहा है, नट शब्द से बन रहा है। आप सामान्य रूप से जब भी एक्टर के लिए शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, अभिनेता, अभिनेता एक्टर का शब्द नहीं है। नट शब्द का मतलब है कि जिसमें ऑल इंक्लूसिव है नट शब्द, उसको डांस भी आना चाहिए, उसको ड्रामा भी आना चाहिए, उसको म्यूजिक भी आना चाहिए, उसको कई तरह के रूप आने चाहिए। तो बेसिक जो फंडामेंटल शब्द है वो हमारे यूज होता है नट, ठीक है, और वही आगे चलकर आप फोक में सुनते हैं नौटंकी करते हैं, ठीक है, अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ भी बात करते हुए क्या कहते हैं, यार ज्यादा नौटंकी मत किया कर, आप ये तो नहीं कहते अभिनय मत किया कर, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। अभिनय में केवल एक फिक्स्ड फ्रेम में आप एक खास तरह से चीजों को करते हैं, तो इसलिए नट आपका बेसिक है, और इसीलिए जब आप ड्रामा का
अर्थ करते हैं नाटक, तो उस नाटक का संबंध नट से है। अभिनेता का अर्थ क्या है? अभिनेता का है चारों ओर से जो कथा सूत्र को आगे लेके चलता है। अभिनयति यानी कि जो पूरे का पूरा कथा का प्लॉट है उस प्लॉट को जो आगे लेके चलता है, जिसकी वजह से फिर आगे आगे नाटक चलता है, उसको अभिनेता कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन नट जो है बेसिकली उसकी ये क्वालिटी है अभिनेता होने की। ठीक है, और चलिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, और अंग्रेजों ने हमें बताया कि भाई इसका टाइम जो है वो लगभग 500 BCE है। BC और CE और BCE का अंतर मालूम है क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। हाँ, और CE जो है वो कॉमन एरा पहले होता था, और उसी नैरेटिव को बदलने के लिए, नहीं तो क्या होता था, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और फिर उसके बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उस तरह से चला करता था। तो उसमें से उसको माइनस करके कॉमन एरा शब्द जो है प्रयोग होता है हिस्ट्री में भी। ठीक है, तो ये एक ऐसा शास्त्र है, मैनुअल है नट के लिए कि आपने नाटक करना कैसे है, उसको अप्रिशिएट कैसे करना है, उसमें बाकी सब चीजें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी उसने बताई है। तो उसको लिखा किसने है? भरत मुनि ने। ये ध्यान रखने वाली बात है, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं और कुछ चीजें जो हैं वो आपको वैसे ध्यान में रखनी होगी। चलिए, अब इसके बारे में आपने सुना होगा एवं मैं श्रुतम, स्क्रीन के ऊपर देखिए, अब मेरी ओर नहीं, आप कुर्सियां मोड़ लीजिए, इसीलिए आपको पास बिठाया कि कुर्सियां उधर की ओर ही रखें, उधर को देखें। ठीक है, एवं मैं श्रुतम का मतलब क्या है कि मैंने कई चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन भाई कैसे सुना? तो फोकस हमें किसके ऊपर करना है? आप एवं के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा एंगल क्या होता है? एवं मया दृष्टम, कि मैंने ऐसे देखा। जिंदगी में यही एक चीज है, आप हर चीज को किसी न किसी एंगल से देखते हैं, अपने माँ बाप भाई टीचर दोस्त हर किसी को किसी एंगल से देख रहे हैं। तो एवं क्या है? वो आपका एंगल है, आपका एक पर्टिकुलर देखने का परसेप्शन का तरीका है, और वो लिमिटेड होता है। ठीक है ना, हम अपनी आंखों से कितना देख पाते हैं? 30 डिग्री 45 डिग्री, बहुत हद है तो 60 डिग्री, 360 डिग्री तो नहीं हम देख पाते, और अगर हम नहीं देख पाते तो इसका मतलब क्या, हम पार्शल देखते हैं। ठीक है, तो आपने चीजों के बारे में या तो सुना होता है या आपने उसके देखा होता है। तो हो सकता है आपने क्लास में किताब को देख लिया हो, किताब का साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है आदि आदि, और उसके बारे में आपने थोड़ी बातें सुनी भी होंगी और कुछ आज सुनने जा रहे हैं। अब इन दो के बीच में हमारी जो है वो एवं में अज्ञातम हमारी नॉलेज होती है। तो आपका जो कुछ भी ज्ञान है वो या तो आपने देखा है या आपने सुना है और उसके बीच में है, तो यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आपका सारा ज्ञान है, वाइडर नहीं है। तो वही हमें अपनी परसेप्शन को वाइडर करने के लिए और हमारी समझ को ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। तो उसी को हम एनलार्ज करेंगे परसेप्शन को, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करने की कोशिश करेंगे, सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे। अब इस में जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है इसमें क्या कहता है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, लेकिन संस्कृत को कभी कभी देख लेना चाहिए। हालांकि संस्कृत और अंग्रेजी के संबंध बड़े खूबसूरत संबंध है। आई मस्ट यूज द वर्ड एम्बिवेलेंट, रिलेशनशिप बिटवीन संस्कृत एंड इंग्लिश इज बेस्ड ऑन एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या होता है कि कुछ नापसंदगी, कुछ पसंदगी, कुछ उसमें उसके प्रति इंटरेस्ट होना, कुछ उसके प्रति एक नहीं, बेकार की चीज। लव हेट रिलेशनशिप वो जरा थोड़ा सा ज्यादा क्रूड हो जाता है लेकिन एम्बिवेलेंस मुझे लगता है कि शायद ज्यादा सुंदर शब्द है। तो उसमें वो क्या कहता है, आपकी जो देखेंगे दो धाराएं हैं आपकी इंडियन राइटिंग्स में, इवन वेस्टर्न यूरोपियन राइटिंग्स में भी आपको इंग्लिश लिटरेचर में यही दो धाराएं मिलेंगी। एक वो जो संस्कृत को एक्सपोर्ट करके अंग्रेजी में उनके आइडियाज को, थॉट को ला रही है, और दूसरी वो जो उसको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो ज्यादातर क्या करते हैं, जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम, ठीक है, या ब्राह्मणवादी मनुवादी और ये जो है इन चीजों को लेते हैं, और दूसरे जो है
टीएस एलियट जैसे जो है वो उपनिष्टिक थॉट को लेकर के भी चलते हैं। आपको हेमिंग्वे भी मिलेगा उस तरह की बात करने वाला, राजा राव मिलेगा, आपका गाइड नॉवल है, और इस तरह के जितने भी आर के नारायण वगैरह जितने भी लोग हैं आपको उसमें से एक ऐसा मिलेगा कि यार संस्कृत के साथ वो जुड़े हुए हैं, उसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको वो संस्कृत में ला रहे हैं। ठीक है। और दूसरे वो हैं जो दलित में कि भाई नहीं नहीं ये तो सिर्फ इतना ही है धार्मिक, और संस्कृत के बारे में एक जनरल इम्प्रेशन यही है कि ये तो पंडितों की भाषा है। बिना हम पंडित को जाने, पंडित शब्द का क्या मतलब होता है? पंडित शब्द का मतलब होता है पंडा इति यस्य, पंडा का मतलब है बुद्धि जिसके पास है। थी यस्य सह, पंडा का मतलब बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसका ब्राह्मण से ताल्लुक नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, जिसके पास भी स्किल है, जिसके पास भी दिमाग है, इज पंडित। ठीक है ना, स्कॉलरशिप जो है वो। बट एनीवे, चलिए, तो नाट्य शास्त्र जो है उसमें 36 चैप्टर्स हैं। 36 चैप्टर्स में 6,000 श्लोक है, वर्सेस है, और वो वर्सेस भी दो तरह के हैं, उसमें एक जो है आर्य छंद में है और दूसरा अनुष्टुप है। उसमें अभी हम नहीं जा रहे, वो फिर कभी जब हम संगीत के बारे में बात करेंगे या कुछ और इस तरह की बात करेंगे तो उसमें करेंगे। तो आप ये देखिए कि 500 BCE से पहला, ये तो अंग्रेजों ने बताया ना, लेकिन हमारी ट्रेडिशन कुछ और कहती है, हमारी ट्रेडिशन तो बहुत पीछे चली जाती है। उन्होंने तो वेदों का टाइम भी जो है वो आपको बता रखा है कि 2000 साल मैक्सिमम है, और ये उनके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो है वो सारी की सारी धरती का पैदा हुई है 4000 साल पहले, तो उससे पीछे वो कैसे जा सकते हैं, तो अपने ग्रंथ को तो झूठा थोड़ी साबित करेंगे। सो दिस इज हाउ दे हैव फ्रेम्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो एनीवे जो भी इसका समय हो तो उसमें 6,000 वर्सेस, 6,000 वर्सेस, ठीक है, वो भी दो तरह के उसमें, और 36 चैप्टर्स हैं। लेकिन कई ऐसे वर्शंस मिलते हैं क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन से चला आ रहा है, लिखा तो बहुत बाद में किया। आप उन लोगों की कमाल देखिए जिन्होंने 6,000 वर्सेस को मेमोराइज किया होगा, याद किया होगा, और आगे से आगे ट्रेडिशन को दिया होगा, और आज वो लिखित रूप में हमारे पास। तो नाट्य क्या है, इस नाट्य शास्त्र में है क्या? वो कहता है ना तो ऐसा कोई ज्ञान है, श्रुतम का मतलब ज्ञान, क्योंकि सुना जो जाता था उसको ज्ञान कहते थे। ठीक है, ऐसा कोई शिल्प, ऐसे कोई स्किल नहीं है, ऐसी कोई विद्या नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, और ऐसा कोई कर्म नहीं है, एक्शन कोई नहीं है, जो नाट्य अस्मिन न दृश्यते, जो इस नाटक में नहीं दिखाई दे। तो इसका मतलब है नाटक एक ऐसी चीज है जो ऑल इंक्लूसिव, सब कुछ इसमें विद्यमान है, और नहीं भी है तो भी आप उसमें ला करके डाल सकते हैं। और ये कहाँ पे रेफर करता है, ये जो मैंने आगे दिया हुआ है, ये नाट्य शास्त्र का पहले चैप्टर का 116वां श्लोक है, पहले चैप्टर का 116वां श्लोक। ठीक है, अब इधर की ओर आ जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसको अप्रोच करने जा रहे हैं, वो क्या है कि कोई ऐसा आर्ट, ऐसी कोई फॉर्म, ऐसा कोई स्किल, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें ना। ठीक है, अब वो शुरुआत कहाँ से करता है उसको भी आप साथ में देख लीजिए। वो कहता है जो ये नाट्य शास्त्र का ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है, पहले चैप्टर का पहला श्लोक क्या कहता है, प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्य शास्त्र प्रवक्ष्यामि। कोई बात नहीं, तो उसको तुम चल सकाल ब्रह्मणा यदा हृदम, कि जो इसका ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ आपको, फिर उन्हें तो टाइम भी थोड़ा लग जाएगा। हुआ क्या था कि देवता ब्रह्मा के पास गए। हमारी ये ट्रेडिशन है कि हम जो कुछ भी शुरुआत करते हैं वो अनादि अनंत से शुरू करते हैं, लेकिन अनादि अनंत से शुरू करने के लिए क्या हो जाता है, कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट में आप क्या कहते हैं, देवताओं को ले आते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि भैया हम कुछ आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं जिससे कि हम मजे ले सकें, आनंद ले सकें, बाकी भोग तो हमारे पास हैं, स्वर्ग में है, उन तो खाने पीने की सारी सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, लेकिन फिर भी कुछ और। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा है कि वो भरत मुनि है, मैं उनको कहता हूँ वो आपके लिए एक नाटक बनाए। तो उन्होंने भरत को आदेश दिया, तो भरत ने क्या किया, नाट्य शास्त्र लिखा ब्रह्मा जी के कहने पे। अब उस नाट्य शास्त्र को जब उन्होंने लिखा तो उसके बाद फिर देवता उनके पास जाते हैं। अब ये मैं एक ट्रेडिशन की बात बता रहा हूं और फिर उसको आगे चलेंगे।
देवता जाते हैं कि भाई भरत जी आप हमें बताइए कि भाई ये नाट्य शास्त्र क्या होता है और इसके तत्व कौन से होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं। यानी कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो वो प्रश्न करेगा। तो आपकी परंपरा किस चीज की परंपरा है? योर ट्रेडिशन इज द ट्रेडिशन ऑफ सीकिंग, नॉट ऑफ बिलीविंग एनीथिंग। यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, यू ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। गीता तो आप लोगों ने देखी होगी, कृष्ण बता रहे हैं लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, 18 के 18 धाम क्वेश्चन, सारी महाभारत क्वेश्चन, रामायण क्वेश्चन, वेद उसमें भी क्वेश्चन, उसमें भी वो जो अगर आप नास्ती सूक्त पढ़ें या और सूक्त पढ़ेंगे तो वहां वो ही कह रहा है कि भाई कौन देवता है जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू बिलोंग टू अ ट्रेडिशन ऑफ सीकिंग, ठीक है। हालांकि इंक्वायरी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग में फर्क होता है। तो एनीवे, तो तब भरत मुनि ने उनको बताया। तो हर चैप्टर जो शुरू होता है, 36 चैप्टर से शुरू होते हैं, वो क्वेश्चन से शुरू होते हैं और भरत मुनि उनका जवाब देते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशन है टीचिंग, ये नहीं है आए लेक्चर दिया और खत्म हो गया, ठीक है। तो भरत मुनि सेज, आई बो माई हेड टू पितामह ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा और ब्राह्मण में बड़ा फर्क है, उसको कहीं कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि अंग्रेजी में जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। द क्रिएटर ऑफ द नाट्य शास्त्र एंड द महेश्वर लॉर्ड शिवा, द क्रिएटर ऑफ डांस, इन रिवीलिंग द साइंस ऑफ डांस, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, साइंस ऑफ डांस, एज इट वॉज डिपिक्टेड टू मी बाय द ब्रह्मा, ठीक है। तो यानी कि दो लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, शिव जी की और ब्रह्मा की, थ्योराइज किया और उन्होंने, और वो सारी चीजें मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो कि हम बात हमने शुरू की थी, अंग्रेजी और संस्कृत के अंतर को थोड़ा सा समझ लें तो आगे चल के आसानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे साथ। देखिए अंग्रेजी को, और मैं कहता हूं कि ये चीजें ना आपको एक्सपेरिमेंट करके देखनी चाहिए अपनी क्लासरूम में भी, अंग्रेजी कैसे चलती है, आई एम एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, आई एम, मैं पहले हूं और बाकी फिर सारी दुनिया उसके पीछे शुरू होती है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू दिस, आई एम डूइंग दिस, दैट दैट दैट, ठीक है ना। यानी कि मैं पहले हो गया और बाकी चीजें अलग कर दी। लेकिन इसके विपरीत आप वाई एक्सिस पे देखें, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप हिंदी कर लें, संस्कृत कर लें, पंजाबी कर लें, कोई भारतीय भाषा कर लें, तो उनका बेसिक एथॉस क्या है कि अगर वो अहम से शुरू होता है तो अस्मी के बीच में सारे का सारा यूनिवर्स ले आते हैं। कितना बड़ा अंतर पड़ गया कि अंग्रेजी का इथॉस और संस्कृत का इथॉस एंटायरली डिफरेंट है, वो आपको पूरा का पूरा ऑल इंक्लूसिव करके चलता है। आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं वहां जा रहा था, तो था और मैं के बीच में दुनिया भर को ले आओ। आप एक वाक्य मैं ऊपर लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, था या हूं जो भी लिखना है, और सारी क्लास को कहिए कि एक एक शब्द इसमें ऐड करते चले, जितना मर्जी करा लो, लेकिन अंग्रेजी के बीच में एक डाल के तो काम नहीं डाल सकते हो, अंग्रेजी में अलग करना पड़ेगा। तो बेसिकली अंग्रेजी इसी आधार पे, वहां की जो साइंस भी डेवलप हुई है, वहां का पूरा थॉट कल्चर जो डेवलप हुआ है वो डिवीजन पे हुआ है कि मैं हूं और ये दुनिया है। और वो कहां से थॉट आया है, वो क्रिश्चियनिटी से थॉट आया है, अब्राहमिक रिलीजन से वो थॉट आया है, क्योंकि वहां पे गॉड ने आदमी के लिए चीजें दी। यहाँ गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ तो मैं स्वयं ही ब्रह्म, आई एम द एंटायर यूनिवर्स, तो मैं कैसे अपने आप को अलग करूंगा, तो मैं डिवीजन में सोच ही नहीं सकता। इसीलिए सारा का सारा जो शब्द है वो है दर्शन, कि देखना कैसे है, जिसकी मैंने पहले शुरू में आपसे बात की थी कि देखना कैसे, एवं उस एवं को ही हमने एक्सपेंड करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, और इसको ध्यान में रख करके अगर आप अंग्रेजी को समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंग्रेजी से जाएगी। अब उसके भी तीन एस्पेक्ट हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दोनों लैंग्वेजेस के तीन एस्पेक्ट हैं, एक है डूअर का, एक है एंजॉयर का, और एक है नोअर का। एंजॉयर का मतलब ये मत समझिएगा कि केवल मजे लेने वाला है, एंजॉयर का मतलब है कि आप भोगते हैं, क्योंकि उसका और कोई शब्द, बेहतर शब्द मेरे पास था नहीं। तो डूअर एज ए करता, आप क्या करते हैं, भाषा को इसी तरह प्रयोग करेंगे, आप भोगते कैसे हैं चीजों को, क्योंकि भाषा के माध्यम से भोगते हैं ना,
कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे प्रेम है, अब मुझे घृणा है, द्वेष, ये भोग है आपका, और फिर ज्ञाता यू ऑल्सो नो अबाउट इट, नोइंग भी है, ठीक है ना। तो भाषा को आप, ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसलिए इसके इन तीनों चीजों को देखिए। एक अंतर छोटा सा और देख लीजिए, हालांकि ये बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल आपको दो ही बताना चाहता हूँ, दो तीन। देखिए इंग्लिश में आप ट्री को क्या कहते हैं, ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब ट्री, ठीक है ना। हिंदी में भी लगभग ऐसे ही चलता है, ट्री का मतलब पेड़ कर लोगे, ठीक है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता। संस्कृत में अगर आप वृक्ष शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वहां समथिंग दैट इज कट एंड फेल्ड, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग इन इटसेल्फ। आपके यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं आपकी कल्चर में, वो कल्चर में शब्द कैसे होते हैं, वो हमेशा रेफर करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। तो इसलिए नाट्य शास्त्र के जितने भी आप शब्दों को पढ़ेंगे समझेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज को बताएगा, वो चीज को नहीं बताएगा। जैसे कि मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, तरु शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या बता रहा है, समथिंग दैट फ्लोट्स, ठीक है। पादप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, समथिंग दैट ड्रिंक्स यूजिंग इट्स फीट, तो वहां पेड़ के अर्थ में नहीं है, क्योंकि पेड़ का अपना कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ आप एक मीनिंगफुल शब्द बना रहे हैं, वहां पर आपके शब्द कैसे हैं, 1:1 की रेशो। जैसे आपने कहा कार, ठीक है, अब कार नामक चीज सामने होगी, या मैंने टेबल कहा, दिस टेबल इज देयर, सो आई एम यूजिंग द टर्म टेबल फॉर इट। इफ टेबल इज नॉट देयर, देन व्हाट विल द वर्ड मीन, इट विल बी अ यूजलेस मीनिंगलेस वर्ड। कार ना हो, कल मान लो दुनिया भर की कारें खत्म हो जाए, आपका कार शब्द क्या मीनिंग देगा, कैन नॉट टेल। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए थिंग, सो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट कि वो क्या होगा, जिसे गुण धर्म कहते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं जाते, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, तीसरी बात और ध्यान रखने वाली, वो क्या है कि आप की परंपरा में जो भी कोई शब्द है उसके, वो भी थ्री डायमेंशनल है। वो क्या बताता है, एक तो वो आइडिया आपको बताएगा, ठीक है, आइडिया ऑफ गोइंग, जैसे गम शब्द है गो, प्रॉपर्टीज उसकी बताएगा कि जाता कैसे है, उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, मैनर है, और फिर वो ऑब्जेक्ट को भी बता रहा है, द पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ गोइंग। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे तब आपको नाट्य शास्त्र की जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आएगी, और फिर आप उसको समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर पाएंगे, नहीं तो वो लगेगा कि क्या बोर सी चीज है, इतनी पुरानी, क्या हमने करना है, और आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे आज के युग में। मैं चाहता हूं कि आप जो भी फिल्म देखते हो, जो आए आपको सीरीज सीरियल्स पसंद हो, वीडियोस पसंद हो, उसको हम इवेल्युएट इसके आधार पर करें, कभी हम क्वेश्चनर्स हम डिजाइन करें, डेवलप करें, वो देखेंगे। अब जैसे कि मैं पहले आपसे कर रहा था बात कि भाई हमारी ट्रेडिशन कैसे शुरू होती है, ठीक है ना। अगर नाट्य शास्त्र आप पढ़ेंगे, आपके यहाँ पे अवेलेबल है इंग्लिश ट्रांसलेशन भी और संस्कृत ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, संस्कृत भी है। तो एनीवे, हमारी यहाँ पे जो कल्चर है वो चार तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब उसमें क्वेरी और क्वेश्चनिंग दोनों का अंतर समझ लीजिए। जो जिज्ञासा होती है, क्वेरी जो है उसके लिए टर्म है जिज्ञासा, और उसके लिए है प्रश्न, प्रश्नों के होते हैं उत्तर। 2+2 आपने पूछा, 4 कर दिया, खत्म हो गई बात, आप आगे ज्यादा नहीं करते, या कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप अगला सवाल कर लेंगे। लेकिन जिज्ञासा का कोई उत्तर नहीं होता, जिज्ञासा शांत होती है। आप जानना चाहते थे, आप जानते चले गए, और एक दिन यू रियलाइज, ओ दिस इज व्हाट आई एम, और उस दिन आपकी वो जिज्ञासा शांत हो जाती, कोई उत्तर नहीं मिला होता, कोई उत्तर नहीं होता। सो वी आर ड्रिवन बाय दिस सेंस ऑफ इंक्वायरी। हमारी जो यात्रा शुरू होती है, हमारी कल्चर की जो यात्रा शुरू होती है, वो सेंस ऑफ इंक्वायरी से होती है। वो ये जो जिसे आप कहते हैं कि क्या कहेंगे उसको, वो वायलेंस से, स्ट्रगल से, वहां से शुरू नहीं होती। वेस्ट का सारा क्या है, स्ट्रगल से शुरू होता है, कि नेचर और आदमी की स्ट्रगल है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलने वाला जिसमें वो स्ट्रगल दिखाई गई, क्योंकि यहाँ तो नेचर आपको दे ही रही है,
कि भैया ये लो ये लो ये लो, नदियां भरी हुई हैं, पेड़ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वहां आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो यहाँ आपकी जो शुरुआत होती है कल्चर के जो आधार है वो है सेंस ऑफ इंक्वायरी। तो चार तरह के प्रश्न होते हैं, इस कैटेगरी को समझ लें और फिर आपको पता लगेगा कि वहां पर वो सवाल क्या करता है, और उसके बाद हम डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला एकांश व्याकरणी है, ये हमें कोर्स में लगने चाहिए, लेकिन ये चीजें हम लगाते नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल वो है कि जाति व्यवस्था लगा दो, ब्राह्मणवादी लगा दो, मनुवादी, यही, लेकिन इन चीजों को हम नहीं कभी भी लाते थे। तो ये सवाल कौन से होते हैं जो कि कैटेगरीली जिसको आप यस और नो में उत्तर देते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आप यस और नो में देते हैं, तो इसको एकांश व्याकरणी कहते हैं। जैसे कि हमें नाट्यशास्त्र पे बात करनी चाहिए, हाँ या ना में उत्तर देते हैं। लेकिन दूसरी तरह के सवाल होते हैं जो काउंटर क्वेश्चन जिनका किया जाता है, जिसको प्रतिपृच्छा व्याकरणीय कहते हैं। ठीक है, शब्द आपके लिए अजीब होंगे लेकिन सुन लेना, कभी कभी अच्छा होता है। क्या नाट्य शास्त्र पे चर्चा करना औपचारिक आवश्यकता मात्र है कि फॉर्मेलिटी से करनी है, लेकिन उसका काउंटर क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपने नाट्य शास्त्र की व्यवहार परखता देखी है, कभी आपने यूज करके देखा है, दिस विल बी द काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, आपने उत्तर कैसे दिया, काउंटर क्वेश्चन से। और इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, कोर्ट्स में, लॉ में यूज इसको करते हैं, या फिर कहीं पे जो बहस होती है, डिबेट्स होती है, उनमें करते हैं। तीसरे तरह के सवाल होते हैं जो इरेलीवेंट होते हैं, जिनको स्थापनीय प्रश्न कहते हैं, आप उनका उत्तर नहीं देना चाहते, कोई पूछता भी है तो आप छोड़ देते हो कि यार ये तो बेकार का फजूल का सवाल है। तो जैसे कि क्या नाट्य शास्त्र ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी और नरणतक ग्रंथ, यू डोंट लाइक टू आंसर दिस। लेकिन चौथा जो है, जिसके ऊपर सारी की सारी आपकी कल्चर खड़ी है, सारी स्टडीज खड़ी है, सारी टीचिंग खड़ी है, वो क्या है, जिनका आप एनालिटिकली उत्तर देते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं, क्रिटिकली आप उसका उत्तर देते हैं, आर्गुमेंटेटिवली आप उसको परस्यू करते हैं, वो एक बार में उत्तर नहीं हो सकता, जैसे कि ये है। तो जैसे कि नाट्य शास्त्र का सार एवं प्रारूप क्या और कैसा है, अब भाई इसको जानने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत डिटेल उत्तर लेने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि नाट्य शास्त्र को पढ़ने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी पता हो, अगर आपके पास टर्मिनोलॉजी नहीं है, आप टर्म से परिचित नहीं है, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो वेग सा आइडिया रह जाएगा। इसलिए जिस भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ना हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, वेस्टर्न हो, जो भी हो, इंडियन लिटरेचर हो, जो भी पढ़ना चाहे, उसकी कुछ एक फंडामेंटल टर्म्स होती, उन टर्म्स को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको उसकी थ्योरीज, उसके कॉन्सेप्ट, उसका जो क्या कहेंगे, उसको जो अप्लाई करने का तरीका, वो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मैंने कुछ टर्म्स को आपके लिए इकट्ठा कर दिया है, जैसे पात्र है, नाटक शब्द है, अभिनेता और नट, ये दो शब्द हैं, रूपक, इस शब्द का ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में नाटक शब्द रूपक का एक भाग है। बेसिक जो टर्म है वो क्या है, रूपक। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें नाटक पहला है, फिर उसमें प्रकरण है, फिर उसमें एकांकी है, फिर डिंब है, व्यायोग है, 10 कैटेगरीज है नाटक की, लेकिन हमने कभी वो देखी नहीं, ना हमने कभी बताई। तो नाटक रूपक का एक हिस्सा है, नाटक अल्टीमेट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अब इसको अप्रिशिएट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन सा है, उसके लिए दो टर्म्स आती हैं, सहृदय और सामाजिक। ठीक है, सहृदय और सामाजिक, सेंसिटिव माइंड, सहृदय और सामाजिक क्या है कि जिसने जो ऑल, जिसमें हर तरह को समझ पाने की क्षमता है, क्वालिफाइड पर्सन। सामाजिक क्या है, ही इज ए क्वालिफाइड पर्सन टू ऑब्जर्व दिस ड्रामा और जो भी है। फिर इसमें आपको जो समझने वाली है 8 तरह के भाव, ठीक है, फिर उसको फॉलो करने वाले विभाव, उनको फॉलो करने वाले अनुभाव, और फिर इन सब के मिलने से जो बनने वाला है रस, जिसे आप एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहते हैं, और फिर उससे आने वाला जो है वो आनंद। तो आनंद के लिए आपको ये करना पड़ता है, आनंद प्राप्ति के लिए नाटक को देखा जाता है और उसको अप्रिशिएट करने का तरीका सीखना इसलिए जरूरी है ताकि हम डफर ना बने रह जाएं कि बाकी लोग आनंद ले रहे हैं और हम वहां पे पत्थर की तरह बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो आपका संस्कार करने का तरीका है। ये जो यूजर्स मैनुअल है नाटक का,
वो आपका क्या है, संस्कार करने का तरीका है। नहीं तो वो ही है कि भाई आपने ढोल नगाड़े बजा लिए, गिद्दा भंगड़ा डाल लिया और बस उसके बाद फिर ढीले पटके बैठ गए, मीनिंग उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से रंगमंच, कि रंगमंच बनाना कैसे है, आपको इसमें 8 तरह के रंगमंच बनाने का तरीका भी मिलेगा। पहले जो 5 चैप्टर्स हैं वो यही बताते हैं कि हाउ टू डिजाइन दीज स्टेजेस, ठीक है। और फिर एक आपको और टर्म याद रखनी चाहिए, साधारणीकरण, जो कॉमनैलिटी की बात है कि आपने मेरे में कॉमन है, जो वहां पर थिएटर में बैठे हुए 200 400 500 लोग होते हैं और जो थिएटर के ऊपर काम कर रहा है, स्टेज के ऊपर जो काम कर रहा है, उसमें और मेरे में कॉमनैलिटी के प्रिंसिपल्स कौन कौन सी चीजें, तभी तो हम अटैच होंगे, तभी तो उसको इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो क्या इंजॉय करेंगे। अगर वो अलग और मैं अलग तो फिर क्या इंजॉय होगा, या एक ही क्लास में अलग अलग तरह के सारे लोग होंगे तो उनमें अगर कॉमनैलिटी कुछ नहीं है तो फिर वो क्या समझेंगे और क्या उसमें बात होगी। अगली बात एक और देख लेते हैं, थोड़ी सी अब मैं स्पीड अप करूंगा आप लोगों के साथ बातें। नीचे एक और देख लीजिए कि इस नाट्य शास्त्र को समझने के लिए आपको 2 शब्द जरूर पता होने चाहिए, एक वेद, क्योंकि नाट्य शास्त्र को जब वो आरंभ करते हैं तो वो सारे का सारा मटेरियल कहां से लेते हैं, वेदों से। कौन से वेद से क्या लिया, उन्होंने वेद से ऋग्वेद नाम का, 4 वेद हैं, 4 वेदों में से पहले तो जो डायलॉग्स हैं, जो प्लॉट है, वो कहाँ से लिया है, ऋग्वेद से लिया भरत मुनि ने। उसके बाद जो सामवेद है, सामवेद से उसने क्या लिया, संगीत, वहां से गीत और संगीत लिए, ठीक है। तो ये जो हिंदी फिल्मों में आप गाने देखते हैं ना, ये बीमारी आई कहाँ से हुई है, ये संस्कृत से आई हुई बीमारी है। नहीं तो आप इंग्लिश मूवीज में देखते होंगे कहीं कोई कोई सॉन्ग सुंग नहीं होता 99% मूवीज, लेकिन हिंदी में जब तक वो 15-20 मिनट के बाद एक गाना ना हो तो लगता है कि बात बनी थी। तो ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से चीजें आई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो वेद है उससे अभिनय, कि आपने एक्टिंग कैसे करनी है, यजुर्वेद से। और फिर चौथी जो अथर्व वेद है उससे आपने क्या लिया, रस, ये जो भाव जिसकी हम ऊपर ये बात कर रहे थे, भाव अनुभाव विभाव, ये रस है, ठीक है। तो 4 चीजें चारों वेदों से लेकर के 5वां वेद बनाया गया नाट्य वेद, नाट्य शास्त्र जिसे आप कह रहे हैं वो बेसिकली नाट्य वेद है। और उसके शुरू के चैप्टर में वो लिखते हैं कि ये हर व्यक्ति के लिए अनकंडीशनली, कहीं कोई भेद नहीं है किसी के, ना इसमें कोई नटों का भेद है और ना दर्शकों का कोई भेद, अनकंडीशनल है। लेकिन हमने कभी इसको उस तरह से देखा ही नहीं कि इसको हम सोशियोलॉजिकल एंगल से भी इसको कभी पढ़े। अब दूसरा शब्द यज्ञ भी ध्यान रखिएगा, यज्ञ का मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाई और लकड़ियां डाल दी, ये वो नहीं है। यज्ञ आप कर ही तभी सकते हैं जब पार्टिसिपेशन हो, अकेले यज्ञ नहीं होता, योर होल फैमिली हैज टू इन्वॉल्व, योर होल सोसाइटी हैज टू इन्वॉल्व इन टू इट, ठीक है। और उसके लिए आपने कुछ ना कुछ कमाया हो और फिर आप बांटने के लिए तैयार। अब उस यज्ञ के अवसर पर क्या होता था, जब पुराने राजा महाराजा ये यज्ञ करते थे या बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो लास्ट में जो है वहां पे एक डायलॉग स्क्रिप्ट जो है उसको इनेक्ट किया जाता था यज्ञ की समाप्ति पे। तो जैसे कि आप ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ एक रेफरेंस दे रखे हैं, वशिष्ठ और सुदास, इनके डायलॉग हमें यज्ञ के अवसर पर दिखाई देते हैं। अगस्त लोपा मुद्रा की आदमी और औरत के डायलॉग्स वहां किए जा रहे हैं। इंद्र इंद्राणी ये नीचे देखते जाइए, और पुरुरवा उर्वशी संवाद, शर्मा पणि संवाद, यम यमी संवाद, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ की समाप्ति पे इस तरह के। तो इसका मतलब है कि हमें इसके जो बीज हैं, सोर्सेज हैं, वो हमें वेदों से मिलते हैं। तो वेद, वेद का अर्थ भी तो किताब मत समझ लेना, वेद का मतलब है यू हैव अ ड्यूटी टू नो। वेद दोनों तरह से शब्द यूज होता है, एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। वेद का मतलब है कि यू मस्ट नो, ठीक है। वेद जब आप उसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसका मतलब किताब हो जाएगा, और वर्ब की तरह यूज करेंगे तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू नो, तो नोइंग के ऊपर बेस्ड है। और इसी तरह यज्ञ जो है वो पार्टिसिपेशन के ऊपर है, तो पूरा सोशल एस्पेक्ट इसमें कवर होता है। जल्दी से इसको अब देख लेते हैं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा आप लोगों के लिए, लेकिन जब भी कोई चीज शुरू की जाती है, जब भी कोई विषय आरंभ किया जाता है, चीज शब्द बड़ा गलत सा है, जब विषय आरंभ किया जाता है तो उसका प्रयोजन आपको बताना होता है कि भाई क्यों, हमें क्यों पढ़ना चाहिए,
तो उसका वो उत्तर देते हैं कि भाई नाटक धर्म यश आयु का साधक कल्याणकारक बुद्धिवर्धक एवं लोकोपदेशक होता है। इतना ही नहीं यह लोक मनोरंजक एवं शोक पीड़ितों को शांति प्रदान करने वाला भी। इसलिए भाई इसको नाट्य शास्त्र को पढ़ना चाहिए। काव्य का प्रयोजन उन्होंने नाटक का प्रयोजन बता दिया, ये संस्कृत है और नाट्य शास्त्र के पहले उसमें 113 से 115 में ये दिया हुआ है, ठीक है, रेफरेंस के साथ। यानी कि ये नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम का डॉक्टर साहब देख लीजिएगा, जरा मुझे बता देना क्योंकि ये चीजें हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कि इसलिए नाटक पढ़ना चाहिए क्योंकि ये धर्म यश को देता है, आयु का साधक है, कल्याण देता है, ठीक है, बुद्धि बढ़ाता है, क्योंकि आप नए से नई फिल्में देखते हो तो नए नए आइडियाज भी आते हैं ना आपके, है ना। तो अच्छे आइडियाज आते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रिमिनल्स को तो कई अच्छे आइडियाज मिलते ही है वहां, ठीक है। फिर वो लोकोपदेशक भी है कि भाई आपको वो उपदेश भी देता है कि भैया देश के लिए कुछ कर लो, ठीक है, आदि आदि। और फिर आपका मनोरंजन तो करता ही है, ठीक है, और अगर दुख में भी है तो वो आपका दुख दूर करता है, ये एक है। कुछ और भी चीजें इसमें दी हुई हैं कि बड़ा डायरेक्टली वो कहता है कि किस लिए पढ़ना चाहिए हमें, वो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विचक्षणता यानी कि निपुणता, एक्सपर्ट होने के लिए, कि कला हमें कोई भी आए तो हम उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। उसको साथ साथ कीर्ति, आपका यश होना चाहिए, लोग पीपल शुड रिकग्नाइज यू, ठीक है, दे शुड एक्नोलेज योर टैलेंट, योर स्कॉलरशिप। वो जब स्कॉलरशिप एक्नॉलेज होगा तभी तो आपका यश होगा, तभी तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि यस इज समथिंग, ठीक है। और लोकप्रियता, लोगों में आप पॉपुलर होंगे, ठीक है। तो अच्छा काव्य इसलिए पढ़ना चाहिए, अच्छा नाटक इसलिए देखना चाहिए, हर तरह का नाटक नहीं देखना चाहिए, अच्छा नाटक देखना चाहिए अगर आप इस तरह से देखते हो। फिर एक और वो देता है, रीजन देता है कि वाई यू शुड स्टडी दिस। इससे क्या होता है, यश मिलता है, धन भी मिलता है, एक्टर्स कितना कितना लेते हैं, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आती है, आपका जो अमंगल है उसका नाश होता है, कि जो बुराई है वो नष्ट होती है, क्योंकि कई जगह पर पर्टिकुलरली दिखाए जाते हैं वीडियोस और ये मूवीज और बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। जैसे मैनेजमेंट में जो है वो ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं, अभिनय ये होता है उनमें, ठीक है। और आनंद प्राप्ति के लिए और उपदेश के लिए भी, कि जैसे एक बिलवर्ट जो है वो आपको उपदेश देती है कि मत करो, तो वो आप नहीं करते, ठीक है ना। दुनिया समझा ले तो नहीं मानोगे, लेकिन अगर कोई आपका प्रेमी आपको कह दे तो आप कहते हो हाँ हाँ लोग हमारे लिए छोड़ दिया सकते, ठीक है ना। सो अब वो नाटक को डिफाइन कर देता है कि भाई नाटक होता क्या है, कि भाई उसमें रस, क्योंकि मजा आता है ना, तो मजे के लिए जो शब्द है वो है रस। रस का मतलब है जूस, ठीक है, जैसे का आप जो अर्थ समझते हैं कि गन्ने का रस है ना, फ्रूट का जूस, ये वो लटरम पटरम, लेकिन रस शब्द का मूलतः है आनंद अर्थ है, जिसे आप आम भाषा में मजा कह देते हैं कि मजा है, पैसे पूरे हो गए, है ना। तो क्या कहते हैं कि यतो हस्तः ततो दृष्टि, वेयर द हैंड इज द आईज फॉलो, वेयर द आईज गो द माइंड फॉलोज, वेयर द माइंड इज देयर इज द फीलिंग, वेयर द फीलिंग इज देयर इज ये प्रोसेस है आपके देखने का, जो जो वो कर रहा होता है उसके साथ आप अटैच होते जाते हैं, और ये आपका पूरे का पूरा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जब अंधेरा किया जाता है ना, थिएटर में जाके कुर्सी पे बैठते हैं बड़ी कंफर्टेबल सी, और पहले अंधेरा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलती है, फिर आपका मूड बनता है, और फिर एकदम म्यूजिक कट बजता है और आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी सारी सेंसेस जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो दिस इज अ प्रोसेस। अब ये समझ लीजिए कि जो रीढ़ की हड्डी है इस सारे के सारे 36 चैप्टर्स की, 6,000 श्लोकों की रीढ़ की हड्डी क्या है, ये एक पंक्ति है, ये वाली, नो सॉरी, नीचे वाली, वो ऊपर वाली भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि न ही रसाद्रिते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रयोजन प्रवर्तन नहीं होता। अगर मजा नहीं आता तो आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे,
आपको कोई कुछ कह ले कि भाई आधा तुझे मैं एक बोर सी पिक्चर दिखाता हूँ, कभी कोई कहता मजेदार पिक्चर दिखाता यार बड़ी धांसू है ना, यही कह के चलता ना, तो बोर मूवी तो देखने को कोई नहीं ले गया और लेकर नहीं। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त ले गया कह के और फिर बाद में आप उसकी ऐसी की तैसी इसी चीज पे कर दे यार कैसी बोर सी मूवी दिखा रही, तो इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते, यानी कि मजा ढूंढ। तो इसका मतलब है कि हम सभी लाइफ में ढूंढ क्या रहे हैं, रस। ठीक है, तो भाषा को थोड़ा सा उसका संस्कार करना जरूरी है। अगली बार शब्द मजा ना इस्तेमाल करें, रस शब्द इस्तेमाल करें, कि हम रस चाहते हैं, या आनंद शब्द, कि हम आनंद को देखने चाहते हैं। और जैसे जैसे आप शब्द का स्तर बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आएगा। अगर वही शब्द इस्तेमाल करते रहोगे तो नहीं डेवलप हो पाओगे, फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर सही भाषा आ जाए तो आपकी पर्सनैलिटी और अपने आप डेवलप हो जाती है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आते हैं, हाँ, जो जनरली मेन यही में दो होगा, क्वेश्चन आते यही हैं, आएगा। रस से रिलेटेड। हाँ, रस सही होगा। तो अब ये जो है इसकी रीढ़ की हड्डी जो से मैं कह रहा था, वो ये वाली पंक्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ये डेफिनेशन है, वो क्या कहता है कि विभाव, ठीक है, इनको हम ट्रांसलेट बाद में करेंगे, सिर्फ शब्दों को देख लीजिए, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस रस निष्पन्न होता है। निष्पन्न कहाँ होना, आपके माइंड में ही होता है, जो कुछ होता है ये चीजें कोई अलग अलग नहीं है, जो कुछ है वो आपके भीतर है प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके भीतर कौन कौन सी फैकल्टीज है। हम लोग ट्रेडिशनली कहते हैं कि आपके भीतर मन बुद्धि अहंकार और चित्त, चार चीजें हैं। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, उसके लिए क्या है, माइंड। ठीक है, यह बहुत हद है तो साथ जोड़ के आप ईगो कर देते, ठीक है ना, लेकिन माइंड को ही जनरली यूज करते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस माइंड का है। लेकिन हमारी चार फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये सारा का सारा प्रोसेस इसमें जो थर्ड है, थर्ड फैकल्टी जिसे चित्त कहते हैं, उसमें होता है कि चित्त का द्रवीभूत होना। चित्त जब पिघलता है तो आपके आंसू निकलने लगते हैं, या आप हंसने लगते हैं, या आप में रोमांच आ जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो चित्त के कारण है, दैट इज अ थर्ड फैकल्टी। ठीक है, तो ये चित्त शब्द ध्यान रखिएगा, जब आप एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वहां आपको इस शब्द की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले कि तीन चीजें हैं, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस निष्पन्न होता है। अब अंग्रेजी में और संस्कृत में सारे का सारा जो झगड़ा है, सारे का सारा जो जोर है, वो किस बात पे है, एक तो निष्पत्ति शब्द के ऊपर है और दूसरा क्या है, संयोग शब्द के ऊपर। इधर नीचे की ओर देख लीजिए, संयोग और निष्पन्न। संयोग का मतलब क्या है, संयोग तो ऐसा भी होता है कि भाई जैसे पेड़ था, पेड़ के ऊपर आके कौवा बैठ गया, संयोग हो गया, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। एक संयोग ये भी हो सकता है कि दो, आपने नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाया, स्पार्क पैदा हो गया, एक संयोग वो भी है। एक संयोग ये भी है कि आज इतने सालों बाद आप और हम यहाँ बैठे, ये भी संयोग है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, वो भी संयोग है। आप धरती के ऊपर ही जीवन है, ये भी एक संयोग है। तो संयोग की बहुत सारी डायमेंशंस आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए वो स्कॉलर्स कोशिश करते हैं कि इस संयोग शब्द का हम कैसे अर्थ करें, क्या इसका सही अर्थ होना चाहिए। दूसरा, निष्पत्ति का मतलब क्या होता है। निष्पत्ति होता है कि भी निचोड़ दिया, जो उसमें से निकल आया, आपने जैसे फल को निचोड़ा, उसमें से वो निकल आया, लेकिन अंदर कौन सा फल है जिसको आप निचोड़ लेंगे। तो निष्पत्ति दो तीन चीजों को मिलाया और फिर वो आगे से निकला है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपके भीतर जो भाव है उन वो किस तरह से आपस में मिलते हैं कि वो एक अलग ही चीज उसमें से उत्पन्न हो जाती है, अलग ही भाव पैदा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे रोने लगते हैं आप, बड़ा एक्साइट होते हैं, और जब मूवी देख के बाहर भी आते हैं तो भी कितनी देर तक उसके बारे में बात करते रहते हैं, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, है ना। तो वो इन्फ्लुएंस क्या है जिसकी वजह से आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो रस कहलाता है। ठीक है, तो उसकी भी कई इंटरप्रिटेशंस हैं, बेसिकली ट्रेडिशन में चार इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, कोई कहता है वो उत्पन्न होता है, कोई कहता है नहीं अनुमान करना पड़ता है, और कोई कहते हैं कि भाई वो भोगा जाता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं वो एक सजेस्टिव मीनिंग होता है। तो इस तरह से
है, लेकिन उसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। केवल इन्हीं शब्दों पे आप रुकेंगे कि आप जो भी आपसे सवाल पूछेगा वो बेसिकली इन्हीं तीन चीजों के ऊपर पूछेगा। एक तो ये भाव विभाव अनुभाव क्या है, और दूसरा वो संयोग और निष्पत्ति, इसके ऊपर वो आपको सवाल पूछेगा। ठीक है, तो अब इसमें रस शब्द का, जैसे कि मैं पहले ही अर्थ बताया हूं आपको कि रस अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, आनंद, मजा। ठीक है, और यही सारे के सारे लिटरेचर का, जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं उन सब का जो है वो कोर क्या है, वो रस है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, विभाव अनुभाव और व्यविचारी, ये सारा का सारा टेक्निकल आगे होने जा रहा है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बोरियत हो सकती है। हाँ, कमाल की बात है कि आपको अपनी परंपरा में बोर शब्द नहीं मिलेगा, बोरियत शब्द आपको वेस्ट के लिटरेचर में मिलेगा। आपकी परंपरा में कहीं बोरियत शब्द नहीं है, कभी आदमी को बोर होते नहीं देखा। ठीक है, लेकिन अब बोरियत आती है। तो ये परिभाषा है, ये कुछ आप भाव देख रहे हैं, मैं अभी इनको आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। केवल मोटे तौर पर आप ये देख लीजिए कि ये जो चार शब्द थे इनको आपने ध्यान रखना है, विभाव अनुभाव व्यविचारी और स्थायी भाव, ये चार शब्दों को आप ध्यान रखें, विभाव अनुभाव व्यविचारी और स्थायी भाव। इन चारों के मिलने से क्या होगा, रस उत्पन्न होगा, ठीक है, निष्पन्न होगा। ठीक है, उसका कोई डेफिनेट मीनिंग अभी मत दिमाग में बिठा लेना। अब विभाव क्या होते हैं? ठीक है, विभाव मोटे तौर पर दो को यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी को देख करके मेरे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, वो क्या है, विभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने किसी को देखा तो मेरे मन में उसके प्रति गुदगुदी का भाव पैदा भी हो सकता है, द्वेष का भाव भी, कि क्या है ना, किसी दरिद्र को देख करके मेरे मन में एक उसको दूर करने का भाव पैदा होता है, लेकिन एक सुंदरता को देखकर उसको कि उसकी ओर आकर्षित होता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं पहला भाग इसका होता है आलंबन कहते हैं, इसको आलंबन विभाव कहते हैं, कि जिसका सहारा प्राप्त करके जिसके आधार पर आपके मन में कोई ना कोई भाव पैदा होता है, नौ तरह के भावों में से कोई एक भाव पैदा होता है। ठीक है, दूसरा इसका भेद होता है, दूसरा भेद होता है कि उसको देख करके उस जो आपने किसी व्यक्ति को देखा तो आपके मन में जो भाव पैदा हुआ उसको और अधिक प्रगाढ़ करने का, उसको और ज्यादा सघन करने का, उसको और ज्यादा एनरिच करने के लिए जो आसपास का माहौल होता है, जिसे आप वातावरण कहते हैं, कि माहौल ऐसा था तो उस माहौल को क्या कहते हैं, उस वातावरण को उद्दीपन, कि वो और अधिक आपके भीतर उत्तेजना उत्पन्न करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है। तो एक तो वो हो गया जिसको देख करके आपके मन में कोई ना कोई भाव पैदा होता है। ठीक है, दूसरा आसपास का माहौल, जैसे थिएटर में क्या होता है, माहौल बनाया जाता है अंधेरा करके, कि अब आपका सारा का सारा ध्यान कहाँ है, स्क्रीन पे। ठीक है, और स्क्रीन पे जब आप हीरो हीरोइन जो भी आते हैं तो आपके मन में क्या उत्पन्न होता है, खास तरह का भाव। ठीक है ना, सलमान खान सामने आ जाए तो हम सारे क्या हैं, उसके भाव आ जाएगा, या उससे हैंडशेक हो जाए, उससे मिल लें। ठीक है, लेकिन उसके चारों ओर का जो ऑरा है, उसके चारों ओर का जो वातावरण है, उसकी वजह से उसके पास नहीं जा सकते, या जो भी है आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, एक्साइटमेंट या जो भी आप। तो विभाव शब्द को दो तरीके से लिया जाता है, आलंबन और उद्दीपन। अंग्रेजी में इसको भी हम बाद में देखेंगे कि अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, और कोशिश कीजिए कि जब आप आंसर लिखें तो उसमें इन्हीं दोनों शब्दों को एज सच प्रयोग करें, क्योंकि जब आप इंग्लिश में ही उसका ट्रांसलेट कर देंगे तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है। चलिए अगला अभी देख लीजिए, दूसरा है अनुभाव। ठीक है, अब ये अनुभाव क्या होते हैं, ये आपके भीतर जो आलंबन हो गया और उद्दीपन, ठीक है, किसी को देख करके मेरे भीतर एक भाव पैदा हुआ और आसपास के वातावरण ने जो उस भाव को सशक्त कर दिया, एम्पावर कर दिया, उसको फॉलो करने वाले, उसको और अधिक सघन बनाने वाले चार तरह के भाव और। अब आप ये देखिए कि अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, संस्कृत के साथ पता क्या है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, आपने और चीजें नहीं पढ़ी, तो संस्कृत को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव है, कोई शब्द आप प्रयोग करेंगे इट विल बी ऑल इंक्लूसिव, तो आपको उसकी सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि उस टाइम का व्यक्ति, अगर मैं मान लूं अंग्रेजों के हिसाब से ये 500 साल पहले कॉमन एरा में रहा होगा, बीसी में बिफोर कॉमन एरा, तो उस वक्त भी आदमी कितना समझदार रहा होगा कि उसको पूरे का पूरा अंदर का साइकोलॉजिकल प्रोसेस पता है। कैसे कर सकता है, उसके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। हमें तो इतिहास में यही पढ़ाया गया कि भैया तुम तो बड़े पिछड़े हुए थे, तुम तो ऐसे बस बीन बून बजा लेते थे और तुम ऐसे ही रहते थे। लेकिन ये तो कम से कम वो खुद ही मान रहे हैं, 500 बीसी तो मान ही रहे हैं, जबकि वो उससे ज्यादा पुराना है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, अनुभव, ठीक है। अनुभव का मतलब क्या हुआ कि भावों के बाद जो होते हैं, अनु का मतलब पीछे, आफ्टर दैट, कि पहले आपके विभाव हो गए, विभावों के बाद अनुभव हो गए। तो अनुभव कौन से होते हैं, या दूसरे शब्दों में, या मैंने इसको यहाँ पे ये लिख दिया है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाला शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। अब आपके शरीर में हलचल भी तो होने लगती है ना, कि भी वो जो विलेन है वो घूंसा मारता है तो आपको लगता है कि एक बार तो ठुकाई कर ही दो, है ना, जबकि आप वहां बैठे आप कर भी नहीं सकते और स्क्रीन पे देख रहे हैं, है भी कुछ नहीं, लेकिन होता तो यही है ना। तो ये अनुभव चार प्रकार के होते हैं, चार कैटेगरीज हैं। कायिक का मतलब होता है शरीर, ठीक है। सात्विक का मतलब होता है जो आपके भीतर होता है, आप कुर्सी को जैसे पकड़ लेते हैं जोर से, सामने हिंसा हो रही है तो आपका क्या है कि आपको पता भी नहीं लगता, आपके पसीने छूट जाते हैं, आपके आंसू आ जाते हैं, ये सारे क्या है, सात्विक भाव कहते हैं। सात्विक बेसिकली क्या है, एक्सपेंशन ऑफ माइंड होता है, और वो क्या है, वो आठ तरह के है, स्तंभ जड़ हो जाते हैं, कि जैसे एकदम बम फटा तो आप क्या चढ़ते चढ़ते व्यक्त नहीं कर पाए, ठीक है। स्वेद, पसीना आना, स्वेद का मतलब होता है पसीना आ जाता है, ठीक है। रोमांच, स्वरभंग, के शब्द ही नहीं निकलते कि इतना डरावना, हॉरर मूवीज, जो हॉरर मूवीज का शौक है किसी को आपने से, आपको, गुड, अच्छी बात है। तो हॉरर मूवी देखते हुए शब्द निकल आते हैं मुंह से कंप, कांप उठते हैं कि कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है तो आप में कांपना शुरू होता है। कई बार इस तरह के भी सीन्स होते हैं, व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज रिक्वेस्टेड, है ना, इसीलिए होता है कि बच्चों को नहीं। आप विवर्णता, कि आपका रंग निकल गया, आप बिल्कुल ही जैसे आपका बेरौनकी चेहरे पे आ जाती है, है ना। आंसू, ये तो अक्सर ही निकल आते होंगे जब वो आप देखते होंगे दिल वाले दुल्हनिया ले गए, है ना, तो आंसू तो, या हीरो मर गया तो बेचारा। और प्रलय का मतलब है कि फेंट हो जाना, इतना इंटेंस ड्रामा है कि आप फेंट भी हो सकते हैं। तो ये आठ प्रकार के सात्विक भाव हो सकते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी क्या है, वाचिक, कि जो बोलना है बोलने से। और आहार्य क्या है, जो आप ड्रेसेस पहनते हैं साथ में, जो हीरो ने ड्रेसेस पहनी हुई होती है, ठीक है ना, कि भाई अपना तौलिया उतार लिया और फिर जो है वो बॉडी दिखा रहा है, है ना, बनियान उतार दिया, अब उसको तो पैसे मिल रहे हैं और आपको क्या है, ठीक है ना। तो ये चार प्रकार के अनुभव होते हैं, तो ये शब्दों को ध्यान रखेंगे तभी पड़ेगा ये, ठीक है ना। ये टेक्निकल चीजें हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब इसे और आगे टेक्निकल होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, पहले टेंशन फिर रिलैक्सेशन। अब व्यभिचारी होते हैं, या इनका एक दूसरा नाम है संचारी, यानी कि आते जाते रहते हैं, विभाव स्टेबल रहेंगे, कि एक फिल्म में एक हीरोइन रहेगी, स्टेबल है, उसी के आसपास सारे के सारी मूवी घूमेगी, एक हीरो हीरोइन के आसपास स्टेबल है, उसमें चारों में से कोई एक अनुभव आ जाएगा वो रहेगा, ठीक है। लेकिन व्यभिचारी क्या होता है कि जैसे कोई टेंस मूवमेंट चल रहा है, लेकिन बीच में एक कोई आकर के ऐसा डायलॉग बोल देता है कि आपकी हंसी छूट जाती है, लेकिन अगेन यू कम बैक टू द मेन स्टोरी, ठीक है ना। बीच में या कोई और स्टोरी चल पड़ती है, जैसे हीरो हीरोइन होते हैं कि भाई वो फादर के पास गए और अरे चलो एनीवे
फादर ने मना कर दिया, शादी नहीं हो सकती। यही होता है ना हिंदी फिल्मों में ज्यादातर, क्योंकि लड़का लड़की जो है शादी के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, वो कह देते हैं कि भाई नहीं हो सकती। फिर वो साइड में एक स्टोरी आती है कि नहीं, फादर का भी कुछ ना कुछ रहा है ना। तो ये क्या है, ये संचारी भाव है, वो मेन स्टोरी से अलग होता है। तो मेन स्टोरी के बीच में आने वाले जो भाव हैं उसको डॉक्टर साहब ऑन करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा यही, हाँ, तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, बस दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो कनेक्ट करना पड़ेगा। एनीवे, नहीं तंग तो नहीं हो गए मेरे डर की वजह से कह रहे हो? देखो, कुछ चीजें होती हैं, कहानी सुनाना एक बात होती है, लेकिन अपने आप को एक टेक्निकल विषय के लिए, एक स्किल के लिए तैयार करना वो अलग है। ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्यों इतनी टेक्निकल चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल आप लोग, मान लीजिए आप में से कोई अपना प्रोफेशन क्या चुनता है कि मैं अखबारों में इसका क्रिटिसिज्म लिखूंगा, एक फीचर लिखा करूंगा। फीचर लिखने के लिए आपके पास बेसिस तो होने चाहिए ना, आपको किसी चीज में स्किल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो केवल कहानियों से तो काम नहीं चलेगा, इवन कहानी भी लिखोगे तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए, यही चीजें तो चाहिए। इवन कहानी भी लिखनी है, कहानी सुनानी भी है, यू नीड सम स्किल्स। तो वो स्किल कैसे आएंगे, तो उसके लिए तो थोड़ा सा बोर होना पड़ेगा। बोरियत के बगैर, तो इस बोरियत को जिसने जीत लिया वो समझो इसके योग्य है। अगर आप बोरियत को नहीं जीत पाए तो आपके नंबर नहीं आ सकते। तो जिंदगी में एक चीज जरूर सीखो, अगर सचमुच सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी बोरियत को जीतना सीखो। ये बोरियत आती कहां से है, ये कभी सोचा आप कहां से आती है, क्यों बोर होते हैं आप? आपकी लाइफ तो बढ़ रही है, फैलने वाली है, एक्सपैंड हो रही है, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो आप बोर क्यों होते हैं, होते हो कि नहीं होते, महसूस करते हो ना बोरियत कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे? तो कभी सोचा कि भी ये बोरियत क्या होती है? आप तो पढ़ते हैं, सोचना नहीं चाहिए आपको कि भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं और फिर ये नहीं पता कि बोरियत क्या होती है? आप कैसे, अच्छा, इसमें एक्साइटमेंट की जरूरत है एक्साइटमेंट की जरूरत होती है, सर। कुछ करना है, सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा दोबारा। बड़ी चीज अपने साथ में लाइफ का सर, वो बोर हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे आपकी बात से सहमत होना। हर आदमी जो घर से दुखी होता है वो कहां अकेला ही होना चाहता है। और आपकी जो वो क्या मूवी थी जिसमें क्या शाहरुख खान ही बना था, वो देवदास था, दारू पी पी, ओके, आपने उसके अकेलेपन को तो एंजॉय किया, वो तो बोर नहीं हुआ अकेलेपन से। हमें सोचना सीखना है, ये सोचने को सोचना कैसे, विचार कैसे करना है, कनेक्ट कर दिया यार, इसका कोई इलाज ढूंढो। देखो, विचार हमें लगता है कि हम सोचते हैं, है ना, और घर में भी अपने माँ बाप को कई बार कहते हैं कि आपको क्या पता, है ना, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें विचार करना नहीं आता, ये विचार करना सिखाना है, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोसेस। आप इसको ये मत समझिएगा कि भाई आपने को कोर्स पूरा करना है, प्लीज उसको छोड़ दीजिए, पास तो आप हो ही जाएंगे, पास करने के इतना सुनने और समझने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जरूरत किस चीज की है कि मैं अपने आप को डेवलप कैसे करूं। मैं, अगर आप सचमुच लोगों से रिकॉग्निशन चाहते हैं, चाहते हो ना कि लोग आपको पहचाने, इसीलिए तो सुंदर बनते हो, इसीलिए तो कपड़े चुन के पहनते हो,
सामने जब वो खोलते हो आप अलमीरा तो उसमें से चुनने बैठते हो ना, यही तो नहीं होता कि जो आ गया पहन लिया, ऐसा तो कभी नहीं करते, नहीं करते। तो इसका मतलब है कहीं अंदर वो भाव है, वो इच्छाएं हैं, यू विश टू बी एक्नॉलेज्ड बाय द सोसाइटी बाय द पीपल। अगर वो चाहते हो तो फिर उसके लिए तैयारी तो करो ना, सिर्फ कपड़े पहनने से, कंघी करने से और ये शैम्पू शैम्पू लगाने से तो नहीं होगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज, यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस। वेस्ट में तो वो इतना जोर देते हैं इन चीजों के ऊपर, टीवी के ऊपर एंकर्स को देखा है कैसे वो हाथ चलाते हैं, वो सिखाया जाता है। आपके यहाँ पे नहीं कोई सिखाएगा, आपको कहेगा कि नहीं शांत होकर बैठ जा, आराम से बात कर, उछल कूद करने की जरूरत नहीं। वहां गाने में भी क्या उछल उछल के करते हैं, आपने यहाँ पे अब चलो उसको फॉलो करने लग गए, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में आराम से बैठ करके वो गाता है। लेकिन हमने क्लासिकल म्यूजिक भी नहीं कभी सुनने की कोशिश की कि भाई क्या होता है। क्या था इसका, एक मिनट इसको मैं रिकनेक्ट कर दूं क्योंकि इसका मुझे वो ध्यान नहीं है। इनसे पूछ लो, ये सहन करने की इनमें क्षमता है क्योंकि ये अनुभव जो है ना उसमें सहन शक्ति बहुत अच्छा, इतना टाइम हो गया अच्छे तो चलो नहीं लेना चाहते हैं ब्रेक, इंटरवल करने की जरूरत है तो ठीक है मुझे तो चलो, नहीं मेरी शर्म की वजह से मत करना, अपनी सहन शक्ति देखो ठीक है। वैसे तो ये सहन शक्ति भी जो है ना कि जैसे तपस्या कहते हैं, ये तपस्या ही है ठीक है पुरानी भाषा में, तो अगर वो आप करते हैं तो इट्स गुड ठीक है ना। बैठना आना चाहिए, अगर आपको बैठना आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पहले चीज सिखाई जाती है कितने टाइम तक बैठ सकते हो हाँ हम लोगों के भी जब पढ़ने का होता है तो कई बार सीटिंग जो है वो 8-9 घंटे की तो एक बार में हो ही जाती है। इन्हीं रखा हो गया इसको, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते आप। से मैं ये उम्मीद करता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये मौका दिया है तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने ये मौका दिया है आप लोगों के साथ बातचीत करने का। आप लोगों को ये सारा बताने का पर्पस ये है कि जो एक नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा है उसमें आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसको बदला जाए, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, एक पॉजिटिव नैरेटिव को लाने के लिए जरूरत है कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व हों। और वो इन्वॉल्व तब हो सकते हैं जब आपको उसकी नीटिग्रिटीज पता हो, टेक्निकलिटीज पता हो, नहीं तो आप दूसरे के आगे नहीं खड़े हो सकते। अगला आपको तर्क चार दे देगा और आप हथियार छोड़ दोगे, फिर बहस में चले जाओगे, झगड़े में चले जाओगे। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो यू कैन काउंटर देम, लड़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें एक बार पता होंगी तो चल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले डॉक्टर साहब आप अपना मुझे बता दीजिए कितनी देर के लिए और मैं हूँ यार 3-4 घंटे चलो आधा घंटा काफी है और या तुम बताओ अच्छा? तुम बताओ, मैं तो कोशिश करूंगा उतनी जल्दी। फ्री है चलो, सहन करने को तैयार हो तो अच्छी बात है। बीच में ब्रेक ले बताओ। चलिए तो हम ये बात कर रहे थे
हमने तीन शब्दों को देखा था, विभाव दो तरह के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने वो देखा था कि अनुभाव, ठीक है, वो चार तरह के, चार में से फिर वो आगे फर्दर आठ तरह के, उसमें से सात विभाव जहां पे आपका मन पिघलता है। अब उसके बाद तीसरी जो चीज है जो रस बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है, वो है व्यभिचारी या संचारी भाव, ठीक है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच में लहरों की तरह आते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हर पिक्चर में कोई ना कोई कॉमेडियन डाल दिया जाता है, या हीरो का दोस्त एक कॉमेडियन बना दिया जाता है, तो बीच में कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है, तो उनको जो रिकग्नाइज किया गया है उसके बारे में जो है वो 33 है। वो उसको, इनका फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है, कि वो उसको ज्यादा इंटेंस बनाते हैं। जो आलंबन विभाव होता है, उद्दीपन विभाव होता है, उसको ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। ये प्रोसेस आप बिल्कुल इसको उस तरह से समझें जैसे किचन के ऊपर, किचन में आप जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, कई तरह की चीजें मिलाते हैं, कई तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और एक्चुअल में आफ्टर ऑल क्या उससे हासिल करना चाहते हैं, स्वाद, ठीक है ना। तो रस का अर्थ आस्वाद्य है, स्वादन। तो उसमें जैसे मिर्च मसाला और बाकी सब तड़का लगाते हो, ये वो तड़के वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या है, हर्ष मैं सारे नहीं गिना रहा, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर्ष, विषाद, त्रास, डर जैसे कहते हैं, लज्जा, क्योंकि बीच में शर्म आ गई, ग्लानी, कई बार गलत काम करते हैं तो फिर हमें जो सेल्फ कंडेमनेशन का भाव आता है वो है, चिंता है, शंका, डाउट, ठीक है, असूया, इन सब के आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, ठीक है। लेकिन ये 33 कमाल की बात है कि उस टाइम का आदमी इतने सारे संचारी भावों को एक्नॉलेज कर रहा है, एक सिस्टम में वो दे रहा है। आप देखिए से ही कि उस वक्त का नॉलेज सिस्टम कैसा रहा होगा, नॉलेज मैनेजमेंट कैसी रही होगी। हम तो आज नॉलेज मैनेजमेंट की बातें करते हैं, लेकिन तब 10,000 साल पहले उन लोगों का नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कैसा रहा होगा, और उससे हमने क्या सीखा, हमने मेन स्ट्रीम में नहीं उसको आने दिया। तो ये नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट है जिसको आप पढ़ रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशन में नॉलेज सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरेस्टिंगली जो इसके शुरू में जो मैंने लिखा हुआ था वो वेद व्यास शब्द लिखा हुआ था, वो इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि वेद व्यास से बढ़िया मैनेज नॉलेज मैनेजमेंट का कोई और व्यक्ति नहीं है, ही इज द गुरु ऑफ दिस। व्हाई? महाभारत आपने देखा है, 100,000 श्लोक हैं, 100,000 श्लोकों के बीच में 2,675 जो हैं वो करेक्टर्स हैं, 2,674 एग्जैक्ट, इतने करेक्टर्स हैं। एक आदमी ने 2,674 करेक्टर्स को के आधार पर उस पूरे महाभारत को लिखा, कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं, कहीं कोई सिस्टम में गड़बड़ नहीं, कहीं कुछ गलत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि उस आदमी का प्रेम कितना होगा, कैसे उसने 2000 से ज्यादा कैरेक्टर्स को मैनेज किया होगा, सोच के तो देखिए। हम अगर अपने घर को ही मैनेज नहीं कर पाते, हम अपने दोस्तों को मैनेज नहीं कर पाते, कोई उधर नाराज हो जाता, कोई इधर नाराज हो जाता, मनाने में लगे रहते हैं, और वो ही इज मैनेजिंग 2,674 कैरेक्टर्स, इतना कहां होगा, वो किस लेवल पे होगा। तो उससे हमें कुछ सीखना तो चाहिए था, लेकिन हमने कभी उसको अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कोशिश नहीं। बट एनी वे, चलिए, तो ये 33 है, ठीक है, तो दो आपके अनुभव हो गए, आठ और प्लस चार वो आपके जो है वो सॉरी विभाव हो गए, वो अनुभव हो गए, और 33 ये हो गए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आठ भाव और आ जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्थाई भाव। चार कैटेगरीज थी ना, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी और स्थाई भाव। ये स्थाई भाव एक तरह के, जैसे आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा होगा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में, है ना, कि जैसे आपको किसी ने मुक्का दिखाया तो आप तुरंत कर देते हैं, तो ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, लेकिन ये उससे थोड़े डिफरेंट चीज है। ये आपके भीतर रहने वाले वो भाव हैं
अच्छा, भाव शब्द से भी क्या समझते हैं? इमोशंस उसको आप कह देते हैं, सेंटिमेंट्स शब्द प्रयोग करते हैं, वो एग्जैक्टली देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में उसको कैसे यूज किया, सेंटिमेंट्स के नाम से किया है या इमोशंस के नाम से किया, दोनों ही टर्म्स यूज होती हैं, इमोशंस में डाला होगा उन्होंने, तो वो आप इसको देख लीजिएगा। तो भाव का मतलब होता है जो एग्जिस्ट करते हैं, उसका कोई कारण नहीं है, वो आपका इनर है, वो उसकी वजह से आपका मन जो मन है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भू शब्द का मतलब है टू बी, तो ये आठ तरह के बीइंग होते हैं आपके भीतर, कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो मन, ये शब्द गलत है वैसे, चित्त शब्द यहाँ होना चाहिए, कि चित्त का विकार है, कि चित्त कभी इस तरह का हो जाता है, कभी किस तरह, किस किस तरह का हो जाता है उसको हम देख लेते हैं, कभी उसमें रति का भाव आ जाता है जिसे आप लव कहते हैं, हास, ये ह्रास लिखा गया गलत है, रति, हास जिसे हंसी कहते हैं, ठीक है, शोक, दुख, सौरव, क्रोध, गुस्सा, उत्साह, कि भी मैं कुछ करके दिखाऊंगा, हर कोई ये ही कर रहा है आपके साथ कि भाई कुछ करके दिखाओ, दुनिया में क्या करके दिखाना है, मनुष्य तो बन लें, ठीक है, लेकिन हर कोई आपको लगा हुआ है कि नहीं नहीं कुछ करके दिखाना है आपने, क्या करके दिखाना है, इट्स डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। फिर फियर, पियर, जुगुप्सा जिसे घृणा भी आप कहते हैं, कि दूसरों को आप नापसंद करते हैं, ठीक है। फिर विस्मय, आश्चर्य, हैरानी, आओ, अंग्रेजी का ये इंग्लिश कल्चर में ये पढ़ी हो, वाओ, वंडरफुल, उनके बड़ा एक कॉमन सा है कि आप कुछ भी बात कहें, हल छोटी सी भी बात कहें तो वो इस तरह से एक्नॉलेज करते हैं कि देखा, अरे वाह, ठीक है। और नौवां जो है वो निर्वेद या वैराग्य कहते हैं, कि बिल्कुल आप दुख में आकर के उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं वो आठ ही लगे हुए हैं, आठ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि भरत मुनि आठ ही स्थाई भावों को एक्नॉलेज करते हैं, आठ ही इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, नौवां लेटर पीरियड में आकर के एडअप किया गया है। लेकिन अब हमें नौ के साथ ही इस वक्त चलना चाहिए, क्योंकि नौवां जो है उसको हम देखते ही हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो भाव हैं ये हमेशा आपके भीतर रहते हैं, लेकिन ये कब दिखाई देते हैं, कब पैदा होते हैं, जब उसमें विभाव आते हैं, जब उसमें अनुभाव आते हैं, जब उसमें संचारी भाव आते हैं, तब ये प्रकट होते हैं, उसके बिना ये प्रकट नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे आपने किसी को देखा, आपको को प्रिय है, आपने उसको देखा तो आपके मन में उत्साह आ जाता है कि जाके गले मिले, ठीक है ना। तो वो देख, जिसको देखा वो क्या हो गया, आलंबन हो गया, उद्दीपन क्या हो गया कि आसपास की परिस्थितियां हो गई और जो भी स्थितियां हैं, ठीक है, तो वो स्थाई भाव रहते हैं। और इन्हीं स्थाई भावों में जब ये चारों मिल जाते हैं, बाकी तीन भी आके मिलते हैं और उसको एक कॉन्टिन्यूटी में ले आते हैं, कॉन्टिन्यूटी टाइम में भी है और आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेस में भी है, तो वो जब कंटिन्यू करने लगते हैं तो वो क्या है, वो रस कहलाते हैं, तब वो जाके एस्थेटिक एक्सपीरियंस बनता है, आपकी इमोशंस एस्थेटिक एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म होती हैं, कन्वर्ट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती हैं, चेंज नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती हैं, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज नेचर में होती है, चीजें बदल रही हैं, आपके शरीर में चेंजेस आ रही हैं, आप बच्चे थे बड़े हो गए, कल मेरी तरह हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या है, चेंज, ठीक है। कन्वर्ट होना क्या होता है, कि एक चीज दूसरी चीज में बदल गई, ठीक है, दूध था वो दही में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि वही था लेकिन अब वो कुछ और सा ही लगता है, मनुष्य था लेकिन अब वो क्या लगता है, आपको अपना लगता है, देखने का नजरिया बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो वो क्या होती है, तो रति का जो रस बनता है वो बनता है श्रृंगार, ठीक है, जिसे आप लव कहेंगे, ठीक है, हास्य, इनके हम शब्दावली जो है वो अभी बाद में देखते हैं, करुण, रौद्र, ठीक है, वीर, जो आजकल इजराइल कर रहा है वो वीर रस में जी रहा है सारे के सारे आजकल, ठीक है ना, कि भी हम सारी दुनिया को दिखा देंगे।
भयानक, हमास ने जो किया वो भयानक था, जो आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो वो भयानक है, ठीक है, बिभत्स, ठीक है, जो बिल्कुल ही ग्लानि से भरा हुआ होता है, जिसको आप देखना भी नहीं चाहते, अद्भुत, वंडरफुल, जिसमें सेंस ऑफ वंडर रहती है, और शांत, कि बिल्कुल आप शांत हो जाते हैं, बिल्कुल काम, कि आप बिल्कुल कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे लहरें भी नहीं है वहां पे, उस तरह का जो भाव होता है, जैसे आप अगर ये नॉवल आप लोगों ने देखा हो, इवन गाइड में भी लास्ट में जाकर के वो बिल्कुल शांत होता चला जाता है, अगर आपने वो मूवी देखी है या आपने हरमन हेस का वो सिद्धार्थ नॉवल पढ़ा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि वो बिल्कुल शांत लास्ट में जाकर के, कि कहीं ना किसी से लेना ना किसी से देना, ठीक है। तो स्थाई भाव में आकर के जब अनुभाव, विभाव, अनुभाव और व्यविचारी भाव मिलते हैं, तो वो रस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जब वो कंटिन्यूटी में रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए देखा, 5 मिनट, फिर बीच में मम्मी ने आवाज दे दी कि नहीं इधर आ जाओ, तो टूट जाएगा। होता यही है ना, कि भाई आप एक सीरियल देख रहे होते हैं, कि भाई बड़े सज धज के वो सास बहू को चिल्ला रही है, ये देख रही है, और आप बड़े देख रहे हैं लगातार, और बीच में मम्मी की आवाज पड़ जाती है, आके रोटी तो बना दे, तो क्या होता है उस वक्त, सारे के सारे रस का सत्यानाश हो जाता है। ये मतलब घरों में चीजें घटती हैं, लेकिन उसको एक कोडिफाई करना, उसको एक सिस्टम में लेकर के आना, ये मेहनत का काम है, यहाँ पे स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, बाकी तो हम चला ही रहे। एक उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि स्थाई भाव जिसे ये कह रहे हैं, वो स्थाई भाव क्या है, क्रोध, ठीक है, गुस्सा आप सब में ही है, जरा सा कोई कुछ कह दे, ठीक है ना, लड़कों में तो एक खास तौर पे बड़ा होता है कि भाई जाते जाते कोई कंधा मार गया, ओए, है ना, करते हैं, तो क्रोध, उसका आलंबन क्या है, कोई आपका दुश्मन, ठीक है, जिसने कंधा मारा आपको, ठीक है ना, या आपको कोई उसने गाली दे दी, अनुचित बात कह दी, तो वो क्या हो गया, विभाव, आलंबन, विभाव, उद्दीपन, उसमें क्या हुआ कि उसने जो कार्य करके दिखाया, ठीक है, कि भाई जो उसने एक्शन जेस्चर कर दिया, ठीक है, किसी तरह का भी वो जेस्चर हो सकता है। अनुभाव क्या हो गए, मुख लाल होना, ये सात्विक भाव, जो शारीरिक चीजें हैं, परिवर्तन आते हैं, आपको दांत, क्योंकि ठीक है, मुठियां भींच गई, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, या शस्त्र चलाना या भौं चढ़ाना, आदि आदि, आप गुस्सा, आप देख लीजिए, आप अपनी कल्पना करके देखिए, जब आप छोटे भाई या बहन के ऊपर गुस्सा करते हैं, है ना, मम्मी आप पे गुस्सा करती है और आप छोटे वाले पे निकाल देते हो, ठीक है ना, उसके चांटा चूंटा पे लगा देते हो कि भाई पेंसिल कैसे ले ली और पेन कैसे ले ली। तो ये क्या है, अनुभाव। संचारी भाव क्या होते हैं, इसमें आवेग, आवेग क्या है कि एकदम इंस्टेंट अमर्श, उसमें कि अच्छा तुझे देख के बताता हूं, उग्रता, कि भाई बड़ा वायलेंट होने की आप कोशिश करते हैं, उद्वेग, एक्साइटमेंट, ठीक है, स्मृति, और उसमें मेमोरी भी आ जाती है, क्योंकि मेमोरी में कहीं ना कहीं कोई चीजें होती है, तभी तो है, अदरवाइज एक बार में तो कोई किसी के लिए गुस्सा नहीं होगा, ठीक है ना। असूया, फिर कहीं ना कहीं उसके प्रति एक जेलसी का भाव भी होता है। मद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई आपको ये पता हो कि आप दूसरे को पीट सकते हैं, तब आप गुस्सा करते हो, अगर आपको कि आपने पिट जाना है, फिर देखो कि क्या होता है, ठीक है। और फिर मोह, क्योंकि तब आप विचार नहीं कर रहे होते हैं, आप ये है कि भाई अच्छा मैं इसकी ठुकाई कर ही दूंगा आज, ठीक है, क्योंकि अगर विचार करोगे फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैं दूसरे के हिंसा करूंगा। तो ये एक उदाहरण आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो कुल ये स्ट्रक्चर इस पुस्तक का है, हालांकि इसके अलावा इन सारे चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं, लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया हुआ है कि आपने किसी को कैसे बुलाना है, किसी करेक्टर को आपने तैयार कैसे करना है, कपड़े कैसे बनेंगे, जेस्चर्स कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो सब आपका पार्ट का हिस्सा नहीं है। तो इसी सारी चीज को आप दोबारा से समझ लीजिए, केवल आपके दिमाग में बिठाने के लिए है, एक इंप्रेशन बिठाने के लिए कि आप इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप कल को प्रेजेंटेशंस बनाते हैं या असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो असाइनमेंट्स इस तरह से बनाएं, ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में भी असाइनमेंट्स बनाएं,
और फिर मैं आपके साथ लास्ट में बात करूंगा कि अगर इसके ऊपर सर्वे भी कंडक्ट करें तो मुझे लगता है कि दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स। ठीक है, तो ये रस है, ये स्थायी भाव है, ठीक है, ये रस है जिसको हम अनुभव करते हैं, ये हमारे भीतर हमेशा ही रहते हैं, रति, हास, शोक, उत्साह आदि आदि। ये कुछ और एक्स्ट्रा इसमें कर दिए गए हैं जो बाद में लेटर पीरियड में आके लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में कुछ और भी जोड़े गए, तो 11 स्थायी भाव बना दिए, लेकिन उसमें नहीं जाना, आपका केवल काम जो है वो केवल निर्वेद तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी की एक प्रेजेंटेशन का तरीका और है ताकि आप लोग जो है इन चीजों को देख सकें, क्रिएटिवली सोचना भी तो है ना, केवल वो फीडिंग ही तो नहीं करते जाना। शुक्रिया। ठीक है, तो स्थाई भाव जो है वो क्या है, 9 आपके स्थाई भाव है, मतलब आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 33 ये हैं। विभाव आपके कौन से हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय, आलंबन में चेष्टाएं, देशकाल, ये सारा आ गया। और फिर ये जो अनुभाव हैं वो आपके कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार, और ये नीचे स्तंभ, स्वरभंग जो मैंने गिनाए थे आपको। ठीक है, एक और इसको देख लीजिए, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, केवल आपके माइंड में एक इम्प्रेशन बैठ जाए, इसलिए ये मैं दिखा रहा हूँ। और इसको अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको हमेशा ये याद भी रहेंगे। ठीक है, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, ये आलंबन और उद्दीपन हो गए। फिर ये अनुभाव, ये 4 होते हैं, 4 में से सात्विक के आगे जो है वो ये वाले भेद हैं। फिर संचारी भाव है जो कि ये 33 आप नीचे देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को इस तरह से आप, ताकि कल को प्रेजेंटेशन देने वाले भी बने आप। ठीक है, चलिए अब आप इंग्लिश की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बदलते हैं इन चीजों को और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि इसको हम कर पाए। तो पढ़ लीजिए इसको, ज्यादा तो सारा हमने बैकग्राउंड क्लियर कर ली है, समझ लिया है उन शब्दों को। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप पीपीटी भी ले लेना, लेकिन ले लो आप फोटोग्राफ लेना चाहिए या पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप लोग इसको ले लेना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से प्रेजेंटेशंस दें, इसी तरह से आप लोग असाइनमेंट्स बनाएं। ठीक है ना, क्योंकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने वो कह भी दिया है कि भाई आप सेमिनार्स करें स्टूडेंट्स के, तो वो लोग करें। चलिए, अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र द गोल्स ऑफ थिएटर आर एज फॉलोस। कौन कौन से हैं भाई, एम्पावर एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड डिलीवर इमोशनल रसा। ठीक है, आनंद लेने के लिए है ये सारा का सारा प्रोसेस। और दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू दोज एग्जॉस्टेड विद लेबर और एजिटेटेड विद ग्रीफ और लोडेड विद मिस्ट्री और स्ट्रक बाय डिफिकल्ट टाइम्स। बहुत दुखी है तो आ यार चल दिखाते हैं, चल तुझे मैं दिखा के लाता हूँ, मूड बदल, है ना, ऐसे करते हैं ना थापी दे करके। तो ये इसका पर्पस है नाट्य शास्त्र का। अब इस चीज को भी समझें कि नाट्य शास्त्र जो है उसका क्या है। नाट्य शास्त्र कंबाइंस द वर्ड्स नाट्य रेफरिंग टू द टेक्निक्स ऑफ डांसर्स एक्टर्स एंड वर्ड शास्त्रस रेफरिंग टू साइंस। ठीक है, इट इज अ साइंस, इट इज अ मेथड, इट इज अ सिस्टम ऑफ डूइंग ड्रामा। ठीक है, द टेक्स्ट कंटेंट्स, ये चलिए आप पढ़ ही सकते हैं, मुझे उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पढ़ते जाएं, ध्यान उधर रखें, मुझे केवल सुने। इसमें जो सारी की सारी टेक्स्ट है उसमें क्या है, टेक्निक्स, एक्टिंग टेक्निक्स, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेकअप करने का तरीका और सोशल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल डांस, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुट्टायम, ये सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कितनी इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है एक। और कब लिखा हुआ, कम से कम अंग्रेजों के हिसाब से 500 BCE। नाट्य शास्त्र में इंक्लूडेड है सब कुछ, इंक्लूडेड है। हाँ, 36 चैप्टर्स में यही सारी चीजें हैं। ये पूरा पढ़ना अगर पढ़ सकें कभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हिम्मत चाहिए उसके लिए। लेकिन आपको जो चैप्टर्स लगे होंगे वो आपको 6th 7th लगा होगा मेरे हिसाब से, मुझे मालूम नहीं है सिलेबस में क्या पूरा ही है। अरे वाह, बस वो फिर 6th और 7th चैप्टर या एट द मोस्ट फर्स्ट,
ठीक है ना, कि भाई वो कहाँ से आया, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, और उसकी माइथोलॉजिकल, हालांकि माइथोलॉजी इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, हमारे लिए तो ये रियलिटीज ही हैं, हमारा तो इतिहास का हिस्सा ही है, बट चलो ठीक है, जैसे भी वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट, सिक्स्थ और सेवन्थ ये चैप्टर्स आपको देख लेने चाहिए। हाँ, फर्स्ट सिक्स सेवन्थ, ठीक है। बाकी मतलब वो 1 to 5th जो है वो स्टेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, फिर जो है वो सिक्स्थ और सेवन्थ जो है वो यही सारा के सारा है रस के ऊपर, विभाव अनुभवों के ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग्स किस तरह के होने चाहिए, और जो करेक्टर्स की सिलेक्शन है, करेक्टर्स की ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा, वो सारा का सारा, लैंग्वेज और मीनिंग कैसे उसमें एडप्ट करने हैं, और कौन सी टेक्निक्स जो है वो एक्टिंग करते हुए आपको यूज करने चाहिए, वो सारी के सारी इंस्ट्रूमेंट्स सारे दिए हुए हैं, कि इंस्ट्रूमेंट्स 4 तरह के होते हैं। ये आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता ही दी है, और ऋषि भरत हैं ये भी आपको पता ही है, इसमें मुझे कोई ज्यादा नहीं कहने की जरूरत है, ठीक है। और 36 चैप्टर्स, ये सारा तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। ये भी मैंने वो आपको श्लोक बता दिया था कि ऋग्वेद से क्या लिया है, ऋग्वेद से उन्होंने ऋग्वेद से लिरिक्स, डायलॉग्स जो हैं, प्लॉट जो है वो ऋग्वेद से, म्यूजिक फ्रॉम सामवेद, जेस्टर्स फ्रॉम यजुर्वेद, एंड एस्थेटिक्स फ्रॉम अथर्वेद, ठीक है, ये सारे के सारे, और उससे सारे के सारे मिलके ये नाट्य शास्त्र बना है, ठीक है। ये जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि 36 चैप्टर्स हैं इसमें, और ओरिजिनली ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि उसमें 12,000 वर्सेस थे, लेकिन जो अवेलेबल इस वक्त है वो 6,000 ही इस वक्त अवेलेबल हैं, क्योंकि ट्रेडिशन में बहुत कुछ खो गया। आप ये मान के चलिए कि आज जो हम इंडियन ट्रेडिशन, नॉलेज ट्रेडिशन की बात करते हैं, उस वो सिर्फ उन ग्रंथों पर आधारित है जो बच गए, जो बच गए हैं, जो पूरी की पूरी ट्रेडिशन थी वो तो बीच में से गायब ही हो गई है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो नालंदा जैसी लाइब्रेरी 6-6 महीने तक चलती रही होगी, आप अंदाजा करके देखें कि कितना हमने लॉस सहन किया, कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों की हत्या की गई है, और तो सब कुछ खो दिया है। तो अब जो बचे हुए हैं वो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के आधार पे हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसराइल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, उनकी अपनी ही भाषा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन 1947-48 में आकर के पूरी की पूरी उन्होंने हिब्रू जो है सारे देश को सिखा दी, 80 लाख लोग बोल रहे हैं हिब्रू। हम तो वो कुछ कर ही नहीं पाए ऐसा, हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर, अनुष्टुप छंद का मतलब क्या? हाँ, ये जो है, ये मीटर आपने पढ़े होंगे, तो 2 तरह के इसमें छंद हैं। छंद का मतलब होता है कि एक शब्दों का, पोइट्री में जितने भी सारे शब्द होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, तो वो एक खास स्टाइल में लिखे जाते हैं, तो वो पोइटिक फॉर्म में होता है, उनको गाया जाता है, तो अनुष्टुप गाया जाता है। और उसी तरह से एक और उसमें छंद का प्रयोग किया गया है, वो है आर्या। तो इसमें अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। आप कमाल की बात देखो कि वो प्रोज नहीं लिख रहा, सारी की सारी पोइट्री लिख रहा है, सारी की सारी, और गाई जा सकती है, ठीक है ना। तो उसमें अनुष्टुप जो मीटर होता है, छंद कहते हैं, छंद का मतलब होता है आच्छादन, ढक लेना, यानी कि एक आइडिया को आपने वर्ड से ढक दिया, तो ये छंद बन गया, अगर उसको एक निश्चित आपने आकार दे दिया। तो उसमें 4 into 8 यानी कि 32 सिलेबस का वो मीटर होता है, छंद होता है, लेकिन उसको आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आर्या का भी होता है, लेकिन उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें नहीं, इसमें स्ट्रेस मार्किंग नहीं, वो केवल वेदों में है, वो जो है कि जो उसके ऊपर उदात अनुदात के जो चिन्ह लगे होते हैं, किसी पे डंडा लगा है, किसी के नीचे लगा है, वो केवल वेदों में होता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल वो आपके टोटल जो है वर्ड्स 32 होने चाहिए, और वो इस तरह से होने चाहिए कि उसमें गुरु लघु भी होते हैं। गुरु लघु का मतलब है कि वो उच्चारण में दीर्घ है या ह्रस्व है, वो उस अर्थ में है, तो वो इसमें चीजें हैं, ठीक है। बाकी थिएटर बिल्डिंग के ऊपर जो है वो 1 to 5th का, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी,
और 6-7 चैप्टर में जो है रस, और ये जो है द क्रूशियल क्वेश्चन एज टू हाउ टू इवोक द मूड, आपका मूड कैसे बनाना है, किसी भी दर्शक का, श्रोता का, सहृदय का मूड कैसे बनाना है। अभी हम लोग क्वालिफाई नहीं करते टू बी सहृदय, नाट्य शास्त्र के हिसाब से हम में से कोई क्वालिफाई नहीं करता कि हम अपने आप को सामाजिक या सहृदय या थिएटर गोअर कह सकें, ठीक है, हम नहीं क्वालिफाई करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम अप्रिशिएट कैसे करेंगे, हम तो उसी भाषा में रह गए कि भाई मजा आ गया, तो पैसे पूरे हो गए, नो। इसीलिए संस्कृत में ताली बजाना जो है वो सबसे निम्न स्तर पे है, आप किसी चीज को देख करके आप ताली बजाते हो, सबसे निम्न स्तर का वो दर्शक होता है, दूसरे उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है जो वाह वाह कर देता है, लेकिन तीसरे लेवल का जो होता है जिसको सामाजिक कहते हैं सहृदय, वो कहता है साधु। हाँ, इसमें ये चीज थी और इसने ऐसे ये जो प्रस्तुति कर दी ये था, वो जानता है कि भी क्या चीज है, अगर वो बिना जाने केवल एक इंस्टिंक्टिव लेवल पे कर रहा है तो ही इज एट द लोएस्ट लेवल, तो हम लोएस्ट लेवल पे जीते हैं, हमें रिफाइन नहीं कर रहा, हमें कंडीशनिंग कर रहा है। नाट्य शास्त्र क्या कर रहा है, इट रिफाइन्स यू, आपके मूड की रिफाइनमेंट करता है, ये आपकी कंडीशनिंग नहीं करता, वो आपको कहता है कि तुम देखो, तुम सोचो, तुम अप्रिशिएट करो कि उसने ऐसा जेस्चर किया तो वो जेस्चर करने में क्या किया, उसमें वो प्रतिभा कैसे आई, ठीक है। फिर उसमें जो है वो वर्बल एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है कि आपने बोलना कैसे है, बोलने का तरीका तो कोई सिखाए, लेकिन हमने ये चीजें कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एड अप ही नहीं की, जबकि ये हमें करनी चाहिए थी कि भाई आपने स्पीच कैसे करनी है, स्पीच और साउंड का आपस में कैसे ताल्लुक है, 14 से 19 चैप्टर तक वो है और 20-21 चैप्टर जो है वो क्या है, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, कितनी तरह के, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 तरह के ड्रामास हैं, बेसिक नाम है रूपक, रूपक के आगे भेद हैं। तो नाटक में जो है वो जनरली 7 एक्ट्स होते हैं, प्रकरण जो होता है दूसरा जो टेक्निकल टर्म है उसमें 10 एक्ट्स तक होते हैं, तो इस तरह के संस्कृत में उपलब्ध हैं। फिर एकांकी बहुत सारे हैं, एक वन एक्ट प्ले जो आप कॉलेज में भी देखते हैं, ठीक है, कि एक ही उसमें एक्ट होता है, फिर इसी तरह डिम्ब व्यायोग बहुत सारे हैं, उसमें अभी नहीं जा रहे हम। फिर आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग में क्या करना है, कॉस्ट्यूम में क्या करना है, मेकअप के जो तौर तरीके हैं वो 22-26 तक चैप्टर्स में है, वो मटेरियल दिया हुआ है, और फिर जो है वो बाकी में 28-38 तक जो है वो जनरल एस्पेक्ट्स और जो नाटक के होते हैं टेक्निकल शब्द जो टर्म्स हैं उनको भी दिया हुआ है। जैसे एक शब्द होता है नेपथ्य, ठीक है, नेपथ्य क्या होता है कि जो स्टेज का जो लास्ट वाला पर्दा होता है उसके पीछे आने जाने की जो जगह होती है एक्टर्स के लिए कि इधर से एंट्री लेनी या उधर से एंट्री लेनी है, तो वो नेपथ्य कहलाता है, इस तरह की टेक्निकल टर्म्स भी उसमें दी हुई है। या उसमें ये है कि आकाश भाषित का मतलब है कि वो आपने कैरेक्टर उस पे मंच पे नहीं दिखाना लेकिन वो पीछे से बोलेगा, उसकी आवाज आएगी, तो उसको आकाश भाषित कहते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी शब्दावलियां हैं जिसको यहाँ पे प्रयोग करते हैं। एक शब्द और बड़ा इंटरेस्टिंग है त्रिपताका। त्रिपताका क्या होता है कि मंच के ऊपर 4 करेक्टर्स खड़े हैं लेकिन उसमें से एक करेक्टर केवल एक किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को सुनाना चाहता है तो वही सुनेगा और बाकी ऐसा करेंगे कि जैसे उन्होंने उस बात को नहीं सुना लेकिन ऑडियंस सुनेगी। तो इस तरह की सारी टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो वहां पे दी हुई है। तो कुल मिलाकर के नाट्य शास्त्र में आप क्या देख रहे हैं, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड डांस, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्टिंग टेक्निक्स और इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज। आप ये नहीं हो सकता कि मैं दारू पी के डांस करूंगा और दारू पी के ड्रामा करूंगा या मैं मांस के टुकड़े खा के जो है वो फिर नो। अगर आप ड्रामा करने जा रहे हैं यू हैव टू टेक सम वोस, आपको कुछ व्रत लेने होंगे। जो रामलीला करते हैं आप देखिए, रामलीला में जो भी पात्र काम करते हैं वो महीना 15 दिन पहले से जो है वो कुछ व्रत लेते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा आदि आदि, ये आज भी फॉलो होते हैं। और जो ट्रेडिशनली जो साउथ इंडिया में ये जो डांस वगैरह करते हैं कथकली और ये सारे, तो वो वहां पर वो इसी तरह से होता है।
ऐसे नहीं कि भाई दारू पी और स्टेज के ऊपर चढ़ गए। रामलीला में भी सर कुछ वो नियम कानून वो पालन करते हैं। एनीवे इसको चलिए हम छोड़ देते हैं, इसमें आपके ज्यादा मतलब का नहीं है। हाँ एक चीज और जरूर आप समझ लीजिए, मैंने पहले वो बात नहीं की, दो शब्द हैं, एक है नृत्य और एक है नृत्य। ठीक है, नृत्य क्या होता है कि जो आप ढोल नगाड़े के साथ करते हैं वो नृत्य होता है, उसमें मीनिंग नहीं होता, बस उसमें जोर होता है, रिदम होती है, ताल और लय होती है, तो उसको नृत्य कहते हैं। इट डजंट हैव एनी मीनिंग, ठीक है। लेकिन नृत्य में एक मीनिंग होती है, एक आइडिया होता है, हर जेस्चर में एक ना कोई मीनिंग दिया होता है, किसी न किसी थीम को लेकर के चलते हैं। ये भंगड़ा गिद्दा और लोक नृत्य जो आपके हैं, हरियाणवी में कौन सा डांस होता है, हरियाणवी डांस जिसको कहते हैं रसिया, तो चलो एनीवे घूमर क्या, हाँ, इनमें कोई आइडिया नहीं होता, इनमें कोई आइडिया नहीं होता, बस इसमें जोर होता है कि भाई इधर को हाथ चला लिए, उधर को हाथ चला लिए, इधर को टांग चला ली, बल्ले बल्ले कर ली, लेकिन ना बल्ले का कोई अर्थ होता है ना कोई टांग देना, बस वो है कि भाई एनर्जी थी और एनर्जी करके आपने एग्जॉस्ट हो गए, तो फिर आपने कहा भाई वाह मजा आ गया। ये नृत्य है, ठीक है। और नृत्य में क्या होता है कि यू ये दिस इज अ नृत्य, ठीक है। इस नृत्य में क्या है, एक आइडिया होगा, एक मीनिंग होगा, हर चीज एक रिफाइंड तरीके से की जाएगी, उसके पीछे पर्पस होगा, मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये टोटल ये है, तो ताल और लय के आधार पर नृत्य होता है, और जो बाकी सारे हैं वो नृत्य होते हैं जिसमें मीनिंग और वो सारी चीज दी जाती है। चलो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम और नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ये उसी के आगे चैप्टर्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको बनाने में जो नृत्य है उसमें किस किस तरह की चीजें होती हैं, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से उसको किया जाता है। और इस एक चीज और भी ध्यान रखें कि जो नटराज ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें जो मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड है, वो क्या है कि इसमें जो पार्वती है उसके द्वारा लास्य नृत्य दिया गया, शिव के द्वारा जो दिया गया है वो तांडव दिया गया है। नृत्य दो तरह का उसमें है, एक शिव के द्वारा दिया गया तांडव डिस्ट्रक्टिव, और लास्य जो है वो जो जिसमें लव एंड केयर जो है वो मैनिफेस्ट होती है, तो पार्वती के द्वारा उसको कंट्रीब्यूट किया गया है। तो लास्य इज सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल स्टाइल, व्हाइल तांडव इज स्ट्रांग इवन अग्रेसिव इन स्टाइल, ठीक है। ये नीचे आप देखिए, ठीक है। अब इसमें मैं कह रहा था कि मुद्राएं भी आप देखिए, क्योंकि इसमें जो मुद्राएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा है कि हैंड जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, आपके फेस एक्सप्रेशंस, वो सारी की सारी मुद्राओं में आती है। ये देखिए, ये सारी की सारी वहां पे दी हुई है, 500 BCE, तब का आदमी जिसको हम पिछड़ा हुआ कहते हैं, जिसके बारे में हमारी ओपिनियन बड़ी लो है, ठीक है। आप अपने हाथ से वैसे ही कभी मुद्राएं बना के देखिए, आप इसमें से कितनी बना सकते, ठीक है। भरतनाट्यम में कितनी है, ठीक है, ये सारी, और हर एक की मुद्रा का नाम है, बिना उसके नाम के कोई नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी आप देखें कि हस्त मुद्राएं कैसी कैसी हैं और इनके मीनिंग है, ये मृग मुद्रा, ठीक है, और ये हाँ बहुत सारी हैं, और इन सबको ऐसे ही नहीं यूज कर देना है, इसको स्टोरी लाइन के साथ इसकी अलाइनमेंट करनी होती है, स्टोरी लाइन के साथ अलाइन होकर के ही होगा। जैसे नृत्य में कोई अलाइनमेंट नहीं होती, बस केवल वहां तो आपने जैसे ढम बजा तो पैर उठा लिया, ढम बजा तो पैर रख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप यू हैव टू गो बाय द स्टोरी लाइन, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। जनरली एक कोई ना कोई आइडिया, इमोशन को ध्यान में रख करके उस आइडिया के आधार पे वो पूरे का पूरा देते हैं, और देखना चाहिए। मतलब मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो क्लास में आप कुछ कथक के, भरतनाट्यम के या क्लासिकल डांस के कुछ वीडियो जरूर देखें, जरूर देखें, सचमुच अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं। अगर तो सिर्फ आपने वो MA पास करनी है, डिग्री लेनी है, टप्पा लगवाना है, तो इट्स डिफरेंट। अगर सचमुच इंटरेस्टेड हैं तो वॉच सम वीडियोस,
ऑफ डांस, ताकि आपको समझ में आए कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चार तरह के होते हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। आप ये देखिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ये वाले होते हैं, तात, सुश्री, सुशिर, घन और अपनद्ध, ठीक है। इंग्लिश नाम इनके ये हैं, कार्डोफोन्स, एरोफोन्स और इडियोफोन्स और मेम्ब्रेनोफोन्स, ठीक है, जिसमें कि वीणा, ठीक है, फ्लूट, घंटा, बेल आदि जो है, और तबला आदि जो है, ये सारे आते हैं। ये चार डिविजन्स हैं। तब कब 500 BC की, जब पिछड़ा हुआ आदमी था, हमने हिस्ट्री तो यही पढ़ी है ना, ये उसका दिया हुआ है। सुशिर वाद्य ये वाले हैं, फ्लूट जिसमें आती है और बहुत सारे आते हैं, ताल, तात जो है वो इंस्ट्रूमेंट ये स्ट्रिंग्स वाले, और ये जो है ड्रम सारे आ जाते हैं, और ये वाले सारे आपके घंटियां वगैरह। अब इसके बाद ड्रामा जो है उसका एक खास तरीका होता है, उसको कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ उसको जाके समाप्त होना चाहिए, ये 5 stages है। वो क्या है, बिगनिंग उसकी होनी चाहिए प्रॉपर, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें एफर्ट्स कौन कौन से हैं करेक्टर्स के द्वारा किए जाने वाले, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनमेंट उसमें शो होनी चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा लोगों का। अगर आपको पता है कि भाई पहले ही हीरो को हीरोइन मिल जानी है तो क्या फिर क्यों देखने जाना, उसके बीच में क्या डाला जाता है कि भाई हीरोइन के लिए उसको एफर्ट करने पड़ेंगे, मारधाड़ करनी पड़ेगी, पहले जो विलेन है वो भगा के ले जाएगा उसको, फिर वो उसके लिए एफर्ट करेगा, ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है विलेन इतना शक्तिशाली हो कि भाई हीरो को मार दे, फिर क्या, तो भी मजा नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद है रेजोल्यूशंस विद कॉन्फ्लिक्ट्स, आपने कई तरह के झगड़े दिखाने हैं, ठीक है, मार कुटाई दिखानी है, फिर उसके बाद कि भाई आखिर में जो है वो हीरो भी थका टूटा सा जो है, फिर उसको हीरोइन आके कहेगी वाह 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 यू आर द वंडरफुल, ठीक है, और फिर फ्रूशन जो है फ्रूट जो उसका मिलना है आपको, कि भी दोनों मिल गए और तसल्ली आपको होगी, पैसे खर्च करके क्या देखने गए कि हीरो हीरोइन मिल गए कि नहीं मिल गए, यही होता एनी वे। तो ये 5 stages होती हैं हर प्ले की, और इनको देखना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारे उसमें दिए हुए हैं बीच में, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो है हीरो जो है उसका स्टैंडर्ड है, वो लचर नहीं हो सकता, उसमें चार तरह के हीरोज होते हैं, धीर, ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त और धीरोदात्त। धीर शब्द सब में लगा हुआ है, उसमें एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हीरो बन सकता है, यो लचर किस्म का हीरो नहीं, लेकिन आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है, कई तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन उस हीरो जो है उसमें उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि पुरुषार्थ, कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई ना कोई होना चाहिए, या तो जैसे प्रेम प्राप्त करना है तो काम का, अगर वो धर्म का करना चाहते हैं कि भी जाके लोगों के भला के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, वो धर्म आपका हो गया। अर्थ है कि भी जैसे आपने कई मूवीज वो देखी होंगी हर्षद मेहता वगैरह की, कि जिसमें उसने पैसे के लिए ये कर दिया वो कर दिया, और मोक्ष वाली जैसे कि आपने वो ये गाइड जैसी मूवीज देखी होंगी, लास्ट में जाकर के वो कहता है छोड़ जाता है सारी दुनिया, ठीक है ना। और इसी तरह से जो हीरोइन है उसको भी वो डिफाइन करता है कि दो तरह की हीरोइन है, स्वकीय और परकीय, एक तो वो जो गर्लफ्रेंड वाली टाइप होती है, एक वो जो आपकी एक्चुअल में वाइफ है, तो दोनों के अंतर को, दोनों की मर्यादाओं को रखा है। फिर उसके साथ जो साइड करेक्टर्स हैं उनको भी वो डिफाइन करता है कि कितनी तरह के साइड करेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, उनके क्या रूप होगा, वो बोलेंगे कैसे, वो चालेंगे कैसे, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इन सब चीजों से क्या है, वो ऑडियंस जो है वो द ऑडियंस टेस्ट डोमिनेंट स्टेट्स ऑफ ड्रामा थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, जेस्चर्स एंड टेम्परामेंट्स। दीज डोमिनेंट स्टेट्स आर लव, मिर्थ, सोरो, ETC, ये सारा वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, 33 संचारी भाव और बाकी अनुभव और विभाव, ठीक है। तो जाकर के जो है वो सारा का सारा क्या बनता है, रस की स्थिति आती है, 3 घंटे तभी तो देखते हो आप, ठीक है। और फिर लास्ट में रस और भाव के ऊपर ये उनके ट्रांसलेशंस हैं,
रस क्या है? लिटरली मीन्स जूस, एसेंस और टेस्ट. इट रेफर्स टू इमोशनल फ्लेवर्स, एसेंस क्राफ्टेड इनटू वर्क बाय द राइटर एंड रिलिश्ड बाय द सेंसिटिव स्पेक्टेटर. सेंसिटिव और सहृदय जो शब्द मैंने पहले प्रयोग किया, लिटरली वन हु हैज हार्ट एंड कैन कनेक्ट टू द वर्क विद इमोशन विदाउट ड्राइनेस. ऐसे डफर लोगों को ले जाके भी बिठा सकते हो आप किसी उसमें थिएटर में, उनको महसूस ही कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? तो जो सेंसिटिव माइंड होता है वही वो जाता है. तो सिक्स चैप्टर, ये इसमें यही बताया हुआ है कि सिक्स चैप्टर में जो है वो सारी की सारी ये थ्योरी दी हुई है. और देर आर टोटल 9 रसास इन नाट्य शास्त्र. ये गलत है, ये स्टेटमेंट शांत वहां पे नहीं है, 8 ही है. भरत जो है वो केवल 8 की बात करते हैं, 9 जो है, 9th रस जो है वो लेटर पीरियड में एड अप किया गया. अब आप ये देखिए, अगर आप सचमुच इतना समझ गए हैं, इतनी देर आपने बर्दाश्त कर लिया है, इसको कौन सा आप रस कहेंगे, ये कौन सा भाव है, ये कौन सा भाव है, पहचानने की कोशिश करें आप, देखें. आप जानते हैं कि हंसी भी कितनी तरह की होती है? एनी आइडिया? इसमें हास शब्द आया ना, कितनी तरह की हंसी होती है? एनी आइडिया? तुक्का है नहीं? तुक्का 4 से 5, ज्यादा हो तो 6 तरह की होती है. आप स्मित से शुरू होते हैं, टेक्निकली उसको क्या कहते हैं, स्मित से लेकर के अट्टहास. रावण कौन सी हंसी हंसता है? अट्टहास, है ना? और जो स्मित होता है, रामचंद्र की हंसी कैसी है? केवल हल्की सी. फिर उससे ऊपर के लेवल की क्या, मंद स्मित, थोड़ा सा ब्रॉडर स्माइलिंग फेस, ठीक है? फिर उससे अति हसित, कभी जैसे बीच में आप हंस लेते हैं है ना, वो गुंडों वाली जो हंसी होती है, अच्छा बच्चों, है ना, इस तरह की हंसियों की है. तो वो सीखनी पड़ती है. तो 6 तरह की आपकी नाट्य शास्त्र में हंसी बताई हुई है उसने. अब ये निर्भर करता है कि आप कौन सी हंसी हंसते हैं, कभी रावण वाली या राम वाली, ठीक है? ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, कुछ शांत के हैं और कोई ये कैसा है कि हैरानी, आश्चर्य, भय, ठीक है? ये सारे के सारे हैं, ये शांत रस का है, ठीक है? ये उसी भाव को फिर दोबारा से कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड. तो आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, भाव क्या होते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जिसे इमोशंस आप कह रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा. अदरवाइज इमोशन शब्द से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जब मैं रोने लग गया तो मैंने कहा मैं इमोशनल हो गया, ठीक है? वो नहीं है, ठीक है? ये फिर उसी को आप ले सकते हैं, ये विभाव आप समझ सकते हैं. दे आर द सिचुएशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट स्थाई भाव, ठीक है? द पर्सन इन हूज माइंड स्थाई भाव रन इज नोन एज आलंबन विभावस. द मूनलाइट, स्प्रिंग, सॉफ्ट ब्रीज, फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स आर उद्दीपन विभावस. इन अदर वर्ड्स दे आर द स्टिमुली, ठीक है? और अनुभव क्या है, द इफेक्ट इज सीन अपॉन द कैरेक्टर आफ्टर इमोशंस अराइज इन द एक्टर्स. दे मेक स्पेक्टेटर्स फील और एक्सपीरियंस अभिनय बाय वर्ड्स एंड जेस्चर्स, दैट इज अनुभव विच फॉलोज, ठीक है? और ये सारे व्यविचार हैं, मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा, आपको ये हमने बात कर ही ली है, ये ट्रांजिटरी और टेम्परेरी जो मेंटल स्टेट्स हैं. तो आप इसको मेंटल स्टेट अगर शब्द प्रयोग करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है? ये सात्विक भाव है, स्थाई भाव है, ये सारे के सारा वही मैंने दे रखा है आप लोगों के लिए. ये इसकी प्रेजेंटेशन का एक और तरीका है अपने आसानी से समझने के लिए, श्रृंगार, और श्रृंगार को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रोमांस जो है वो लव में जब ट्रांसफर होता है, लाफ्टर, कॉमेडी, फ्यूरी, कंपैशन, मर्सी, ट्रेजेडी, कारुण्य में ये सारा आ जाता है, विभत्स, डिस्गस्ट, हॉरर, हीरोइज्म, वीर, अद्भुत, वंडर, अमेजमेंट, और शांतम, शांतम लिखा गया है, पीस, ठीक है? ये सारा है. ये इसका एक और तरीका है इसको प्रेजेंट करने का, समझने के लिए, या आपके नोट्स बनाने का, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं. और यही रस सूत्र है जिसको आपने
याद रखना है, ध्यान रखना है, यूनियन ऑफ विभाव, जिसको आप कॉसेस कह सकते हैं, अनुभावास कॉन्सिक्वेंस एंड व्यविचारिन ट्रांजिटरी फीलिंग्स मेक रसा. तो दिस इज द रस. जब ये तीनों आके मिलते हैं, वर्ड संयोग एंड निष्पत्ति आर एम्बिगुअस, व्हाट इज द रोल ऑफ स्थाई, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको हैंडल करना चाहिए. और ये सारे के सारे होते कहाँ हैं, आपके भीतर, लेकिन भीतर कहाँ, आपके माइंड में, आपका जो माइंड है जिसे हम संस्कृत में चित्त कहते हैं, वो चित्त में ये रहते हैं. चित्त जब द्रवीभूत होता है, पिघलता है, किसी की दया, किसी की स्थिति देख करके मेरा मन जब पिघलता है तो वो ये घटनाएं घटती हैं. ये इसके ऊपर चार लोगों ने, चार आचार्य हुए टीचर्स, ग्रेट टीचर्स, जिन्होंने निष्पत्ति और संयोग शब्द की ट्रांसलेशंस की हैं, इंटरप्रिटेशंस की हैं. ये भट्ट लोलट, शंकुक भट्ट लोलट, ये उत्पत्ति की भी ये चीज पैदा होती है. तो पैदा होना तो ऐसा हो गया कि जैसे बाहर से कोई चीज पैदा हुई कि भाई पेड़ से फल पैदा हो गए, तो ऐसा नहीं है. मतलब चारों ने एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट भी किया है, चारों ने अपने अपने मत भी दिए हैं. ये शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं और अभिनव गुप्त हैं, अभिव्यक्तिवाद. ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, इसको आप बस खत्म ही है लगभग, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा आप लोग. ये क्या होता है कि रस जो है वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी मेमोरी दोनों से अलग है, क्योंकि जब आप इसके इन डेप्थ एनालिसिस करना, क्योंकि ये तो सारा इंट्रोडक्टरी सा है, लेकिन जब आप मेमोरी और अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड इट डिफरेंट. क्योंकि अगर एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आई एम एक्सपीरियंसेस, लेकिन द मोमेंट यू आर वॉचिंग इट, यू आर इन्वॉल्व्ड इनटू इट, देयर इज नो आई, यू आर आइडेंटिफाइड विद द कैरेक्टर्स. आप मूवी में इन्वॉल्व होते हैं, उस वक्त मैं नहीं होता, यू आर नॉट देयर एज ए पर्सन, यू आर इन्वॉल्व्ड विद द कैरेक्टर. ठीक है ना, और मेमोरी भी नहीं होती कि भी मेरे मन में पहले मेमोरी बैठी है, पहले भी घूंसा मारा था तो अब भी घूंसा मारेंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि उस वक्त सत्व उद्रेगाश, वो ब्लिस जो पैदा होते हैं, दैट इज कॉल्ड संबित, दैट इज कॉन्शियसनेस, विश्रांति, विच इज सिमिलर टू ब्रह्मानंद. और ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस के साथ के कंपेटिबल है, वही नहीं है लेकिन इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल अपने को भूल जाते हैं, यू बिकम वन विद द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. और ये कैसे प्रोसेस होता है, आपका माइंड जो है वो पहले मेल्ट करता है, ठीक है, जिसे रजस्त्रुति कहते हैं, फिर वो एक्सपेंड करता है, मेल्टिंग देन एक्सपेंशन देन कम्स द एनलाइटनमेंट इन द माइंड, कि धीरे धीरे वो एनलाइटन होने लगता है, आपको आनंद आने लगता है, एंड देन यू फील ब्लिस, फिर आपको आनंद आता है, फिर मजा आता है. तो 3 घंटे में आप यही सारा कुछ देखते हैं. ये उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है, इसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन इसमें कुछ एक विघ्न भी पड़ते हैं, मुश्किलें भी होती हैं बीच में. जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में आप देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ सीरियल देख रहे हैं, बीच में घर वालों ने आवाज दे दी, खाना खा ले, पानी ला दे, ये कर दे, वो कर दे, तो उस तरह के ये बहुत सारे इसमें जो है वो विघ्न पड़ते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जिसमें से ये सारे के सारे हैं. ये सिंपल सी बात है, आप इसको देख सकते हैं. ठीक है ना, लैक ऑफ प्रोमिनेंस, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, अगर वो मूवी का आइडिया क्लियर नहीं है, स्टोरी लाइन ही क्लियर नहीं है, तो फिर क्या आप देखोगे, क्या उसका मजा लोगे. ठीक है, ये इसमें स्टेजेस होती हैं, जिसको बड़े ब्रीफली हमने उसमें देख लिया है कि भाई शब्द आपको पहले पता हो, आपको भाषा भी तो समझ में आए कि भाई क्या कह रहा है, जस्टिस से तो समझ में आ ही रही है, लेकिन शब्द के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जो 7th chapter ऑनवर्ड है वो सारा का सारा लैंग्वेज के ऊपर है, तो वो प्रोसेस कैसे काम करता है वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है. नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, नोइंग मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स. हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ट्रेडिशन है उसमें 4 तरह के मीनिंग होते हैं, एक ही शब्द को आप 4 मीनिंग में यूज कर सकते हैं. एक तो होता है स्थूल अर्थ, जिसे आप कहते हैं अभिधा, उसको टेक्निकली कहते हैं, ठीक है ना, जैसे गधे का मतलब गधा, ठीक है. लेकिन दूसरा जो होता है वो सजेस्टिव मीनिंग होता है, जिसे लक्षणा कहते हैं. सजेस्टिव मीनिंग क्या है, अरे वो तो निरा गधा है. अब इसमें क्या मतलब निकला कि भी वो
गधे की आकृति नहीं है लेकिन गधे जैसे गुण उसमें है, दिस इज सजेस्टेड। तीसरा एक और मीनिंग होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि भाई किसी ने पूछा मेरा घर कहाँ है, अरे मेरा घर सड़क पे ही तो है, अब इसका मतलब ये सड़क के ऊपर थोड़ी है, सड़क के साथ है, नदी पर मेरा घर है, नदी के किनारे उसका मतलब है। तो ये क्या है, ये तीसरा जिसे हम कहते हैं व्यंजना, ठीक है, उसमें से आप अर्थ निकालते हो। चौथा एक और होता है कि जो उस शब्द तो वो होता है लेकिन उसका अर्थ कहीं और ही जाता है, वो जुड़ा हुआ होता ही नहीं उसके साथ। तो वो जैसे कि जैसे आपने घरों में देखा होगा, अगर घर में आपके सास और बहू है ना, तो सास के ताने और बहू के उत्तर ऐसे ही होते हैं, कहा कुछ जाता है, मीनिंग कुछ और निकलता है और अगला तड़प जाता है। बेस्ट एग्जांपल है घर में, है ना, या जैसे एक जेस्चर किया आपने कि सास उधर कुछ बोल रही है और जो बहू है उसने कुर्सी जोर जोर के हिलानी शुरू कर दी, अब और तोड़ दे कर दे किसी ने कुछ कहा नहीं और ना वो उससे रिलेटेड है लेकिन चीजें जुड़ी हुई हैं। तो वो चार तरह के मीनिंग जो है वो होते हैं। और मर्जिंग सेल्फ इनटू एसेंस, जो आपकी स्टोरी लाइन है उसमें आप करते हैं, फिर डायलॉग उसमें है कि पोइट का जो है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन क्या है, उसके साथ यूनिफिकेशन जब आपकी हो जाती पोइट के साथ स्टोरी के साथ, और फिर जो है वो ब्लिस पैदा होता है। तो ब्लिस मैनिफेस्ट होता है, पैदा होता है शब्द गलत है, इट मैनिफेस्ट, थिंग्स आर देयर ऑलरेडी बट इट दे मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रसा, ठीक है। ये फिर वही डिफरेंट आपके शेप्स हैं, इनको समझिएगा, देखिएगा, जानिएगा कि वंडर की सेंस कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जॉय कैसे, लव कैसे दिखाएंगे, करेज कैसे दिखाएंगे, पीस कैसे रिकग्नाइज करेंगे, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, इन सबको आप कैसे एक्नॉलेज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे आप आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अब ये देखिए कि एक ही फॉर्म में, एक ही पिक्चर में आपको नौ के नौ रस दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, है ना, सेंस ऑफ वंडर, सेंस ऑफ लव, ठीक है, ये आश्चर्य। और ये आगे मैंने सारे के सारे जो है एक एक रस को उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे के सारे दिए हुए, श्रृंगार का, हास्य का, ठीक है, ये अद्भुत जिसे हम कह रहे हैं, आश्चर्य जिसमें रहता है, हीरोइक, ठीक है, रिलैक्सेशन, शांत बिल्कुल, करुणा कैसे इसमें है कि भी मृत्यु के संदर्भ में, टेरिबल भयानक जैसे कि हम कह रहे हैं कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ऑडेशियस, विभत्स जिसे कह रहे हैं वो कैसा होता है, फ्यूरियस, रौद्र, गुस्सा जिसमें होता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके नौ के नौ रस हैं। तो अब लास्ट लाइन जो वो कहता है, नव रस रुचिराम निर्मति माधति भारती कवर जयती, नौ रसों के धारण करने वाली जो कवि की जो पोइटिक उसका जो एलिमेंट है, उसका जो पोइटिक फ्लेवर है, वही सब जगह एक्नॉलेज होता है। ये इसका मतलब है कि नौ के नौ रस उसको आने चाहिए, उसके ऊपर सिद्ध हस्तता हो, उसके ऊपर उसकी कमांड हो। तो एज ए क्रिटिक और एज ए पोइट दोनों तरह से आपकी कमांड होनी चाहिए इन नौ भावों पे, अनुभावों पे, व्यभिचारी भावों पर, और फिर उससे आप में ये कैपेबिलिटी हो कि आप इन नौ रसों को जनरेट कर सकते हो, तब जाकर के आप दुनिया में एक्नॉलेज होंगे। शांत रस में आगे सज्जन पुरुष इतना सहना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, और मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये जो मैंने आप लोगों से सारी बातचीत की है, इसकी प्रेजेंटेशन अपने तरीके से बनाए, एक एक चीज की बनाए, छोटी छोटी सी बनाए, और डॉक्टर साहब जो है उसकी उस प्रेजेंटेशन को आप क्लास में दीजिए, ठीक है। और अगर थोड़े से और हिम्मत करना चाहें, फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक एक के ऊपर हम क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हैं, पांच पांच क्वेश्चन बनाए, छह छह क्वेश्चन बनाए, फिर उसका हम सर्वे करें, ताकि हमें पता तो लगे कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या नहीं महसूस कर सकते, वो एक्नॉलेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वो फोटोग्राफ दिखाए, उसमें से अगर आप पूछें कि भाई ये कौन सा, इसके चेहरे पे कौन सा एक्सप्रेशन है, कम से कम उससे मेरी तैयारी होगी। आप दुनिया की चिंता छोड़ते हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, कि मुझे तो पता लगे
और फिर मैं कहूँ उनको कि भाई ये चीजें हैं तो यहाँ पे हमें बदलने की जरूरत है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, यहाँ पे हमें अपना संस्कार करने की जरूरत है। तो ये सारे का सारा लेक्चर एक तरह का संस्कार करने का था, और संस्कार करने के लिए आपको तपस्या भी करनी पड़ती है, आपको अपनी बोर्डम भी झेलनी पड़ती है, आपको अपने आप को जगाना भी पड़ता है, ठीक है ना, नहीं तो सब शांत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई चार तरह के सवाल तो मैंने बता ही दिए थे, आप ध्यान रखिएगा उसका, ठीक है। वैसे हिम्मत बची होगी कि नहीं बची होगी ये मुझे बताने इतना सुनने के सहन करने के बाद, तो इन चीजों को करें। आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, देखो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ उन्होंने ऐसा दे दिया है जहां पर आपके पास ट्रेमेंडस स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन के, तो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय यूं ही ना मत आए और चले गए, हमने क्लास लगा ली, खुद एक्सपेरिमेंट करें, सर के साथ बैठ करके बात करें कि भाई हम इसके क्वेश्चंस कैसे डिजाइन कर सकते हैं, सर्वे करें, अपने घर में देखें, अब रिपोर्ट बनाए, एक पेज की रिपोर्ट बनाए, आधे पेज की रिपोर्ट बनाए, अपने साथियों से डिस्कस करें कि उन्हें हास्य का क्या पता है, उन्हें क्रोध का क्या पता है। जब आप बनाओगे तो कम से कम आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आएगी, कल को आप वो आपके काम आएगी फ्यूचर में, तभी तो जाकर के आप एक टीचर बनेंगे, अदरवाइज तो ठीक है, किताब पढ़ के पढ़ाना तो कर लो, वो तो टाइम पास तो जैसे मर्जी कर लो, किताब आप पढ़ें लेकिन डिस्कस करें क्लास में, लेकिन वो डिस्कस ऐसे करें, प्रेजेंटेशन बनाए, क्वेश्चनर्स डिजाइन करें, उसका सर्वे करें, बाकी अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। बाकी एक मेरी इच्छा है, फिर कभी जब आप लोगों की हिम्मत होगी तो मैंने एक काम किया था, प्रेजेंटेशन बनाई थी, जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं इनको हम इनका क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं इंडियन ट्रेडिशन के आधार पे, इंडियन लिटरेरी जो क्रिटिक थ्योरीज हैं उससे थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है, तो वो मैंने एक पावर पॉइंट बनाई थी, तो वो मैं चाहूंगा कि कभी आप लोगों के थोड़ी सी हिम्मत हो तो वो कभी आप लोगों के साथ शेयर करें, वो भी थोड़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन इतनी लंबी नहीं है जितनी ये लंबी है। कोशिश यही थी, मैं चाहता तो जिस दिन डॉक्टर साहब ने बात की थी मैं उस दिन लेक्चर दे सकता था, लेक्चर देना मेरे लिए आसान था कि भाई वो तो क्योंकि जो चीजें दिमाग में फिट हुई हुई है वो तो मैं उसी तरह से बता देता आपको कि भाई ये चीजें हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, उसमें टाइम भी लगा और एफर्ट्स भी करने पड़े, वो इसलिए कि कम से कम ऑडियो विजुअल होने से आप लोग को पता भी लगेगा और आप लोगों में शायद थोड़ी सी ये उत्सुकता जागे कि यार हम भी ऐसे इसको बनाएं, एक एक चीज को बनाएं, छोटी छोटी चीज को बनाएं, चार स्लाइड बनाएं, तो जरूरी थोड़ी है कि भी इस तरह से आपने नहीं बनानी है, छोटी छोटी सी स्लाइड्स बनाए, दो दो चार चार, तो वो बनाए, वो आपके और उसको अपलोड करें, यूट्यूब पे अपलोड करें, बाकी चीजों पे अपलोड करें, जैसे आपको ठीक लगे, बाकी तो ठीक है ना। जो डाउट रहता है कि बुक जो लिखी गई थी इसका टारगेट ऑडियंस कौन था? टारगेट ऑडियंस तीन लोग थे, देवता, मनुष्य और राक्षस, तीनों गए, देवता ही थे पहले, लेकिन देवता किस लिए जाते हैं, वो इसलिए कि संसार में दुख है। आप ये देखो कोई कहानी आप उठा के देखो, इवन घरों में जो कहानियां पढ़ी जाती हैं सत्यनारायण की कथा या और, किस लिए पढ़ी जाती हैं, शुरू में क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि भाई नारद जी घूमते घामते उनके पास गए कि भाई लोग दुनिया में बड़े दुखी हैं, कोई तरीका बताओ, छोटा तरीका बताओ जिससे आसानी से लोग जो है दुख से फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए। तो वो कहते हैं अच्छा चलो मैं तुम्हें एक संक्षिप्त तरीका बताता हूँ, तो वही ये है कि लोगों के दुखों को दूर करने के लिए और लोगों की रुचियों को रिफाइन करने के लिए ये लिखा गया है। तो राक्षस तो रिफाइन उस तरह से नहीं हुए, देवताओं को ये मिल गया, लेकिन मनुष्यों के हाथ में ये चीज आ गई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि
देवता शब्द से आप क्या समझते हैं, देव शब्द से क्या मतलब समझते हैं, देवता क्या होता है? कोई ऊपर बैठा है सजा धजा है मुकुट लगा करके, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देवता का मतलब होता है जो देता है। देवो दानात द्योतनात दीपनात, तीन अर्थ होते हैं। जो देता है, सूर्य आपको क्या दे रहा है, जीवन दे रहा है, रोशनी दे रहा है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है, दूसरों को प्रकाशित कर रहा है, तीन चीजें हो गई, थ्री डायमेंशनल, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। अब उस देवता के साथ मेरा संबंध कैसे बनेगा, वो बनेगा जब मैं उसको पर्सोनिफाई कर दूंगा। तो मैंने उसके मुकुट भी लगा दिया, कंकम हाथ में तलवार पकड़ा दी, इधर उसको रथ दे दिया, ये दे दिया, तो पूरे का पूरा एक रिलेशनशिप बनता है, तो इसलिए वो देवता है। तो डोंट थिंक कि कुछ ऊपर बैठा है, लेकिन ना समझने वाले वो कि भी क्या होते हैं देवता, देवता ये होते हैं। पेड़ भी देवता है, फल दे रहा है, इसलिए देवता है, ठीक है ना। नदी देवता है, माता पिता देवता है, टीचर आपका देवता है, बिकॉज ही इज गिविंग यू, तो इसलिए देवता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात को मत भूलिएगा, दोबारा याद रखिएगा, अगर सचमुच आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कि योर लैंग्वेज बिलोंग्स टू द लैंग्वेज विच टॉक्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट, इट डजंट टॉक इन द सेंस 1:1 रेशियो। एक शब्द एक वस्तु के अर्थ में नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टीज उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, उससे बनता है कि मैं इसको पहचानता हूं तो इसके गुणों से पहचानूंगा, वस्तु से नहीं, क्योंकि वो तो बदल जाएगी, लेकिन गुण तो तुम्हारे वही रहेंगे, तो गुणों से याद रखोगे। हो सकता है कल को मेरा चेहरा ऐसा ना रहे, मेरे वो कुछ और ना रहे, लेकिन आपको याद क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज, कि सर ने ऐसे बोर किया था, तो बोरियत से याद रखोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आनंद आया कि चलो, बाकी कभी भी कुछ पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कोशिश करें इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानने के लिए, क्लास में डिस्कस करें। ये चार पीरियड इसलिए थे कि दो दिन जो है वो आप लोग कुछ और करें, उसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट को समझें, उसको जानें, उसको समझें, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है, टाइम